गुड इवनिंग एवरीबडी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है क्योंकि अब रिविजन की सीरीज शुरू होने वाली है तो इसका शुभारंभ मान के चलिए हम आज से ही कर रहे हैं इस रिविजन सीरीज में हम आज लेकर आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पहला टॉपिक भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन और फिर फरवरी में हम इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट पंद्रह घंटे का क्लास लेंगे ताकि मेरा जो मकसद है कि पंद्रह अप्रैल तक मैं आपको रिवीजन के इस बार अद्भुत वीडियो जो कि थोड़े लंबे रहेंगे पंद्रह घंटे के बारह घंटे के रहेंगे जिसमें विषय का कंप्लीट रिवीजन रखने का मकसद है उसे कवर किया जा सके तो आज की यह सीरीज एक तरीके से रिवीजन कहिए, कंसेप्चुअलिटी कहिए, दोनों में आपकी मदद करेगी पिछली वाली क्लास में इसको प्राइवेट करा दूंगा जो पिछला वाला यूरोपियन आगमन वाला था क्योंकि उसमें हमने दिल्ली सल्तनत की जगह पर मुगल काल बता दिया था तो उस कारण से कई बच्चों ने नीचे गालियाँ दी है हमें मतलब भला बुरा कहाँ है। इस बार हम वो सावधानी पूरी बरतेंगे कि पूरे क्लास के दौरान कहीं कोई मिस्टेक ना हो लेकिन मैं पुनः याद दिला दूं क्योंकि एक मनुष्य हूँ मैं और इतिहास विवादों का विषय है इस विषय में मैं मेरी टीम जिस किताब को फॉलो कर रही है जिस मटेरियल को फॉलो कर रही है हो सकता है उसके बातें उसके विचार किसी और दूसरी किताब से थोड़े से अलग हो फिर भी प्रयास होगा कि मैक्सिमम वो बातें आपके सामने रखें जो सभी के द्वारा मान्य हैं और जिसमें सामान्यतः कोई विवाद नहीं होता तो इस कक्षा के माध्यम से बस इतनी सी विनती रहेगी कि यदि कोई वर्ष कोई बात आपको लगे कि वहां बोल दी गई और आपको लगता हो कि नहीं वो ऐसा नहीं है तो एक मानवीय गलती के रूप में क्षमा प्रार्थी है आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा बस एक मिनट का समय हम आपका लेंगे इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं खास करके 2023-24 के 24-25 के विद्यार्थी तो उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वह प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन को और कॉम्बो मतलब ऑप्शनल और जीएस दोनों को सीधे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट की बचत के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इसके लिए आपको एम के लाइव रिफर कोड यूज करना होगा जो आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देगा और यह ऑफर केवल 28 जनवरी तक है आरंभ बैच स्टार्ट किया जा रहा है आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है इस बैच के माध्यम से आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट के साथ ई का ऑप्शन है और अन ऑफलाइन सेंटर अब ओल्ड राजेंद्र नगर में आ चुका है और इसकी कक्षाओं को आप ऑफलाइन ये ऑफलाइन प्राइस है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ भी आपको एमके लाइव रिफर कोड डिस्काउंट उपलब्ध करा देगा आप एमके लाइव रिफर कोड का यूज करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं 2024 25 के लिए फाउंडेशन बैच का उद्घोष करने जा रहे हैं 8 फरवरी से आठ फरवरी से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे 2024-25 के फाउंडेशन कोर्स का तो यदि आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप आठ फरवरी से इन कक्षाओं को प्रारंभ कर सकते हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन या यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन कहानी के रूप में चीजों को समझने की कोशिश करिएगा ताकि रटना ना पड़े और चीजें आपके समझ में ज्यादा आ सके चीजें ज्यादा समझ में आ सके तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात पर गौर करिएगा चौदह सौ 1498, 1498 यह एक ऐसा वर्ष रहा जब यूरोपियन देशों के किसी नाविक के द्वारा पुर्तगाली नाविक के द्वारा भारत की जमीन पर समुद्र के मार्ग से प्रवेश प्राप्त किया गया ऐसा नहीं है कि इसके पहले यूरोपियन लोग भारत नहीं आते थे इसके पहले भी यूरोपियन लोग भारतीय सामानों के लिए भारत से व्यापार करने के लिए भारत आते थे लेकिन वह सभी स्थल मार्ग से आते थे अब थोड़ा पिक्चर को समझने के लिए मैं आपको कुछ एक भूमिका बता रहा हूं ताकि वे विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ रहे हो उन्हें भी बात समझ में आए हम जिस दौड़ की बात कर रहे हैं ये दौर समझ लीजिएगा कि लगभग चौदह या चौदह पचास से लेकर चौदह निन्यानवे के बीच की कल्पनाएं बातें में आपके सामने रख रहा हूं हम सभी लोग मान के चलते हैं कि एक टाइम मशीन है ताकि समझ सके चीजें ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन क्या है कि चीजें थोड़ा सा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है तो कल्पना करिए कि टाइम मशीन है हमारे पास हम जिसमें पीछे जा सकते हैं और इस टाइम मशीन में मैं आप सभी लोगों को लेकर जा रहा हूं और पहले यूरोप का माहौल आपको दिखाऊंगा इस टाइम मशीन में हम लोग यूरोप में क्या चल रहा है उस स्थिति को देखेंगे और फिर उसके बाद पिक्चर का दूसरा सीन होगा जहां भारत के बारे में मैं आपके सामने जानकारी रखूंगा तो आज की इस पिक्चर का टाइम मशीन में एंट्री करने के बाद हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के इस दिल्ली शहर से सबसे पहले हिमालय को पार करते हुए भूमध्य सागर या हम कहेंगे कि अगर ईरान इराक वाले रास्ते से जाए तुर्की वाले रास्ते से जाए तो पूर्वी यूरोप से पश्चिम यूरोप के क्षेत्र में जहां ब्रिटेन फ्रांस पुर्तगाली या पुर्तगाल स्पेन नीदरलैंड ऐसे देश में आपको दिखा रहा हूं और आप देख रहे होंगे कि इस दौरान इस यूरोपियन क्षेत्र में भले ही दौर 1450 का है लेकिन वैज्ञानिक सोच आ चुकी है धर्म का उतना नियंत्रण राज्य पर अब नहीं है थोड़ा कम हो गया है यहां पर लोग समाज अब एक तरीके से पुनर्जागरण महसूस कर रहा है कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता और नागरिकों को केवल धर्म के आधार पर बांधने की कोशिश नहीं कर रहा है तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पुर्तगाल में पुर्तगाल में आप देखेंगे कि एक बेहतर शासक है जो नवीन विचारों का समर्थक है वो नवीन खोजे करना पसंद करता है और अपने देश के नागरिकों को नई नई जगह खोजने के लिए मोटिवेट करता है फिर आप देखते हैं पड़ोस में स्पेन है वहां पर भी वैसा ही राजा है और उनके बीच में भी कुछ ऐसा ही कंपटीशन चल रहा है कि पुर्तगाली चीज को खोजे उसके पहले हम खोजेंगे इस समय पुर्तगाल स्पेन ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों में समुद्र में जहाजों का निर्माण उसकी टेक्नोलॉजी काफी बेटर है एक अच्छी क्वालिटी के जहाज ये इस दौर में बनाना शुरू कर चुके थे काफी बड़े आकार के जहाज ये बनाना शुरू कर चुके थे और आपको वो दृश्य दिख रहा होगा कि काफी बड़े बड़े जहाजों से ये लोग समुद्र की यात्राएं कर रहे हैं किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर क्या हम इन यात्राओं को भी देख सकते हैं तो उसी में हम कोलंबस के बारे में थोड़ी चर्चा आपके सामने रखते हैं यूरोप का इस दौर का जो माहौल है इस दौरान एक कंपटीशन है कि कौन नई नई रास्ते नए नए समुद्र मार्ग से नई नई जगह खोजेगा तो स्पेन में कोलंबस, भारत के बारे में सुना तो सबने हैं यूरोपियन लोगों ने हम लोग देख रहे कि सभी लोग भारत के भारत पहुंचने के लिए काफी उत्साहित है तो यहां पर पिक्चर में एक आ, एक स्ट्रेस टेंशन आ जाता है कि कोलंबस एक उत्साहित व्यक्ति है जो भारत की खोज करना चाहता है एक विद्यार्थी जो अभी आप लोगों में से ही मेरे साथ टाइम मशीन में बैठा है कि सर अभी तक तो वह स्थल मार्ग से जा रहे थे तो अचानक ये कोलंबस को इतना भारत खोजने की जल्दबाजी समुद्र मार्ग से क्यों है मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया तो एक्चुअल में आप ऐसा सोचिए कि यह है यूरोप और यह है इंडिया तो यह यूरोपियन लोग अलग अलग देशों से भारत समुद्र मार्ग की जगह स्थल मार्ग से पहुंच रहे थे और यहां पर एक जगह थी जो वर्तमान में तुर्की में है तुर्की के स्थानाबुल में कुतुन तुनिया इस जगह पर पहले तुर्कियों का शासन था और तुर्की लोग इस जगह से यूरोपियन लोगों को भारत जाने देते थे भारत से सामान लाने देते थे और एक तरीके से यूरोपियन लोगों का सब बढ़िया चल रहा था लेकिन चौदह में अरब देश के द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा प्राप्त कर, कर लिया जाता है इस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया जाता है अरब लोगों के द्वारा और वे अरब लोग इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और यूरोपियन लोगों को अब इस रास्ते से वो जाने नहीं देते हैं अरबवासी जानते थे कि अगर ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो पूरा भारतीय सामान यूरोपियन को हमसे खरीदना होगा तो हम भारतीयों से सस्ता खरीदेंगे और यूरोप वासियों को महंगा बेचेंगे तो अरब वासी अपने व्यापारिक हितों में कुतुनिया का रास्ता रोक रहे हैं पर इसके चक्कर में अब यहां खबर पहुंची है कि भाई अब रास्ता जो स्थलीय मार्ग का था वो बंद हो गया है अब हरेक राष्ट्र या नाविक आप इस दौर में देखेंगे कि जो भी नाविक है वो कोई व्यापारी का नाव होगा वो चाहता है कि जल्द से जल्द किसी प्रकार से भारत पहुंचे सस्ते दाम दामों में चीजें ले और यूरोप में महंगे दामों में बेच सककर लाभ कमा सको क्योंकि अरब वासियों ने ये रास्ता रोक कर अपना ही फायदा शुरू कर दिया था तो और अच्छा कमाने लग गए थे अरब वासी उनकी कमाई भी कई गुना बढ़ गई थी भारतीय मसालों को लेकर अब एक छोटी सी बात की भारतीय मसाले आखिर भारतीय मसालों की इतनी मांग यहाँ क्यों होगी यूरोप में तो एक्चुअल में यूरोप एक ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए यूरोप एक ठंडा क्षेत्र है यहाँ पर कृषि कार्य उतना ज्यादा नहीं होता है चार महीने ही किसानी कृषि कार्य हो पाती है आठ महीने कृषि के उत्पाद नहीं मिलते तो ये मछली को खाते थे भेड़ को खाते थे बकरियों को खाते थे मतलब मैक्सिमम नॉनवेज पर भोजन या नॉनवेज पर जीवन यापन चलता था और नॉनवेज की एक बड़ी प्रॉब्लम है मांस की कि वो बहुत जल्दी सड़ जाता है बहुत जल्दी बदबू देने लग जाता है लेकिन भारतीय मसालों में इतनी सुगंध इतना स्वाद और इस तरीके के औषधीय गुण थे कि वह उस मांस को न केवल प्योअर कर लेते थे बल्कि उसकी बदबू भी खत्म हो जाती थी इसलिए पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की मांग बहुत अच्छी थी लेकिन इसके साथ साथ भारतीय कपड़े सबसे पतला कपड़ा मतलब भारतीय लोग सबसे पतला कपड़ा उस जमाने में और सबसे मजबूती वाला कपड़ा बनाने की ताकत रखते थे या मोटा कपड़ा उसकी भी बेस्ट से बेस्ट भारतीयों के पास टेक्निक थी तो भारत के मसाले और कपड़ों के लिए यूरोपियन लोग भारत पर निर्भर थे जैसे आज के दौर में आईफोन के लिए हम अम अमेरिका पर निर्भर हो गए ऐसी परिस्थिति में अब यूरोप के जो नाविक है जो व्यापारी है जिनके जहाज है वे खोज में लगे हुए कि, कि किसी तरीके से भारत पहुंचे अब इसी में आपको चौदह बानवे में स्पेन का एक नाविक कोलंबस उत्साहित दिख रहा है वो अपने साथ एक बड़ा सा जहाज लेकर निकल रहा है माहौल बड़ा सुंदर सा दृश्य है बहुत सारे उसके साथ मजदूर नाविक और वह इस उम्मीद से निकला है स्पेन से कि वो भारत पहुंचेगा पर उस समय वैज्ञानिक खोजों में इतनी भी बड़ी खोज नहीं हुई थी कि डायरेक्शन एग्जेक्टली exactly कोई पहुंच बता सके तो जिन लोगों को थोड़ा मैप याद होगा मैं बता दूं कि यहां पर यह उत्तर अमेरिका है यहां पर यह स्पेन के वासी हैं यह अफ्रीका है ये चाह रहा था कि वो इस तरीके से पहुंचेगा लेकिन बेचारे का जहाज भारत की ओर ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच जाता है और कोलंबस इनडायरेक्टली अमेरिका की खोज कर बैठता है शुरुआत में तो कोलंबस को लगता है कि वो भारत पहुंच गया लेकिन जब वहां के माहौल देखता है कि वहां पर तो अभी भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ वहां के लोग अभी भी जीवन यापन में जंगलों में अधिकतर जीवन यापन कर रहे हैं तो इसलिए वह कुछ समय के लिए भ्रमित जरूर होता है लेकिन वह जल्दी समझ जाता है कि वह किसी और जगह आ चुका है अब उस दृश्य के बाद चौदह का दौर आता है और पुर्तगाली एक नाविक वास्को डिगामा एक प्रयास बड़ा सा जहाज लेकर उस उनका राजा वास्को डिगामा को शुभ शुभकामनाएं अच्छी विशेष देकर कहता है कि जाओ और एक समुद्री रास्ता ढूंढो जहां से हम भारत पर भारत तक पहुंच सके वास्को डिगामा चौदाह में भारत पहुंचता है लेकिन उसके भी पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि महोदय भारत पहुंचने की जगह पर अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाता है वहा उसकी मुलाकात एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी से होती है और भारतीय मुस्लिम व्यापारी से उसकी मुलाकात उसे बहुत ही लाभान्वित करती है वो भारतीय मुस्लिम व्यापारी से कहता है कि मैं भारत जाना चाहता हूं वो कहता है बस इतनी सी बात है चलो मेरे साथ क्योंकि तो मैं तो भारत ही लौट रहा हूं अभी और इस तरीके से वह उस भारतीय व्यापारी की मदद से भारत की जमीन पर पहुंचता है भारत के शासक को पता चलता है कि एक यूरोपियन व्यक्ति काफी लंबी यात्रा करके काफी महीनों की यात्रा करके भारत पहली बार पहुंचा है तो उसका स्वागत किया जाता है बिल्कुल गुजराती व्यापारी अब्दुल कई बच्चे कमेंट्स कर रहे बहुत अच्छी बात है थोड़ा बहुत पता भी है तो वहां का जो राजा है जिस क्षेत्र में ये पहली बार पहुंचता है भारतीय राजा उसका स्वागत करता है और ये खबर ये खबर अरब वासियों को पता चल जाती क्योंकि वो अरब वासी उस केरल में मसाले खरीदने के लिए आए थे अब उन्हें थोड़ा सा झटका तो लगता है कि हमने जमीन का रास्ता रोका था ये बदमाश समुद्री रास्ते से अंदर आ गए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है वास्कोडिगामा के लिए क्योंकि वो एक ऐसी जगह खोज रहा है ऐसी जगह ढूंढ रहा है जो अभी तक समुद्र मार्ग से किसी ने ढूंढी नहीं है कई बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उन्हें लगता है कि ये भारत की खोज कई भारत गायब था नहीं भाई भारत गायब नहीं था लेकिन वास्तविक रूप में उस नाविक के लिए तो भारत सच में एक अदृश्य ही जगत ही समुद्र मार्ग से और इसलिए उसने खोजा इसलिए हम कहेंगे कि भारत की उसने खोज की हमें उसमें तकलीफ की कोई बात नहीं क्योंकि हम थोड़ी अलग थे वहां पर तो कहने का अभिप्राय यही है कि इस पूरी कहानी में आप देखते हैं कि कैसे पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत पहुंचता है और आपको सुनकर अचरज होगा कि जब वो भारत से और वो एक जहाज नहीं कई जहाजों के साथ आता है लौटते हुए या जाते जाते कई सारे जहाज खत्म हो जाते हैं। भारत से जब मसाले और कपड़े लेकर जाता है तो वो जितना यहां पर पैसा खर्च किया था उसकी साठ गुना कमाई यूरोप में करता है जब पूरे पुर्तगाल में यह खबर फैलती है कि एक व्यक्ति ने समुद्र मार्ग से भारत जाकर भारत का सामान लाया है इमेजिन करिए कितने व्यापारी अपनी जहाज लेकर तैयार हो गए होंगे कई लोग रात में खाना खाते समय अपने नाविकों से कहते होंगे क्यों ना निकल चले भारत के लिए हम भी उतने अमीर हो जाएंगे जितना वास्को डिगामा हो गया बहुत पैसा वास्को डिगामा कमाता है एक लाल कह रहा है कि चौदह सो चौरानवे तो चौदह सो बानवे बड़ा कॉमन सा फैक्ट है सभी लोग मानते हैं हाँ कहेंगे भाई ये हमारे नजर से कहूंगा तो वो गंदा आदमी नहीं आता तो शायद भारत बहुत अच्छा रहता चौदह से पहले भारत का विश्व व्यापार में 33 थ्री परसेंट योगदान था एक तिहाई भारत का व्यापार विश्व का एक तिहाई व्यापार भारत के माध्यम से होता था और जब उन्नीस में अंग्रेज हमें छोड़कर जाते हैं तब विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र एक प्रतिशत रह जाती है कहा 33 परसेंट के व्यापार के मसले के आधार पर हम विदेशी पैसे इतने कमा लेते थे इतना सोना हमारे देश में आता था कि हमारी संपन्नता बहुत बेहतर थी पर अब वही है जो होना था वो हो चुका है आप में से कुछ विद्यार्थी ने कहा कि सर अब टाइम मशीन में आ चुके हैं हमें दिख रहा है वास्कोडिगामा जाते हुए क्यों ना वास्को का रास्ता बदल दे हमने कहा समय के साथ छेड़छाड़ मत करो अब भारत के पिक्चर के सीन में हम भारत में आएंगे कि भाई ठीक है वास्को डिगामा की कहानी समझ में आई कुछ लोग अब्दुल मजीद बिल्कुल अब कुछ लोग कुछ बच्चे जो शैतान है वो कहने लगे सर वास्को डिगामा को दक्षिण अमेरिका भेज देते हमने कहा ऐसा मत करो अब अपने मशीन में वापिस भारत के दौर में आते हैं अब ये जिस दौर की हम बातचीत करने जा रहे हैं 1498 की ये दिल्ली सल्तनत काल का टाइम है भाई क्योंकि अभी पानीपत का जो पहला युद्ध है वो अभी हुआ नहीं है और दिल्ली सल्तनत काल में आखिरी वंश लोधी वंश का शासन चल रहा है मोटे तौर पर कहे तो दिल्ली सल्तनत काल का समापन होगा और लगभग 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल काल आएगा लेकिन अभी बहुत सा टाइम लगेगा तो थोड़ा माहौल देखते तो हमारा जो देश इस समय है अभी वो पुनर्जागरण काल में नहीं है अभी वह मध्य काल में है जहाँ धर्म बहुत प्रबल है धर्म की प्रधानता है लोग धार्मिक आडंबरों में लगे हुए हैं वैज्ञानिक सोच का अभी उतना तीव्रता से निर्माण नहीं जैसे कि यूरोप में हो रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई ध्यान नहीं है राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राजा के साथ युद्ध कर रहे हैं और हमारा देश कोई राष्ट्र के रूप में निर्मित नहीं था अलग अलग रजवाड़ों के रूप में बटा हुआ और एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे जो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था इस दौरान भारत में वैसी आपको आधुनिकता नहीं मिलेगी ना ही आपको यहाँ एक तरीके से डेवलपमेंट खास करके जहाज के निर्माण का उतना डेवलपमेंट नहीं होगा अभी भी भारत जैसी जगह पर जमीन पर ही कब्जे के लिए राजा लड़ रहे होंगे तब यदि हम बातचीत करें तो भारत की स्थिति बहुत ही थोड़ी पिछड़ी हुई है और ये यूरोपियन लोग जो आ रहे वो थोड़े हमसे आगे के हैं हम कह सकते कि आधुनिक काल के हैं तो पिक्चर के इस सीन में हमने भारत का थोड़ा नजारा देखा है जहां पर दिल्ली सल्तनत काल चल रहा है लोदी वंश का शासक है अभी भी भारत में धर्म का बहुत प्रबल महत्व है सभी क्षेत्रों में और अभी टेक्नोलॉजी के मामले में या पुनर्जागरण काल के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता के मामलों में अभी हम उतने बेटर नहीं है जितने कि यूरोपियन लोग हैं उस दौर में तो आइए जरा देखते जो बात मैंने बताई यूरोपियन के आगमन के समय भारत की तात्कालीन परिस्थितियां पंद्रहवीं सदी के अंत मतलब चौदह सो निन्यानवे की बात या सोलहवीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से यूरोपियन कंपनियों का भारत में प्रवेश प्रारंभ हुआ और इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल था उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत मतलब बाद वाला दिल्ली सल्तनत का काल और शुरुआती मुगल काल में केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के कारण पर दिल्ली में जो राजा का शासक होता शासन होता था ना वो काफी शक्तिशाली राजा होता था किसी यूरोपियन कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस राजा के आग, आदेश के कुछ विपरीत काम कर ले तो ये बिल्कुल चुपचाप से आते थे डरे सहमे व्यापार करते थे और चले जाते थे कंपनियों ने न केवल अपने व्यापारिक हितों को महत्व दिया बल्कि वह भारत के इस केंद्रीय सत्ता को भी स्वीकार करने लगे पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी की हार होती है और दिल्ली सल्तनत की जगह पर मुगल सत्ता का विकास बाबर के द्वारा मुगल सत्ता की स्थापना ही जाती है मुगल सत्ता को स्टैब्लिश किया जाता है वही दूसरी ओर पुर्तगाली डच डेनिश की कंपनियां अपने व्यापारिक हितों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष में संलग्न हैं उधर यूरोप में ये सभी में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा व्यापार कर लेगा कौन अलग अलग जगह से अलग अलग सामान अपने देश में पहुंचाएगा पूरे यूरोप में बेच पाएगा तो एक तरीके से भारत की जो स्थिति है आप इसको देख सकते हैं भारत में यूरोपियन का आगमन जिस समय भारत अपने मध्य काल में है जबकि यूरोप अपने आधुनिक काल में था इसी क्रम में यूरोपियन द्वारा नवीन भौगोलिक खोजे की जाने लगी ताकि अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जा सके इसी क्रम में यूरोपियन द्वारा इसी क्रम में यूरोपियन द्वारा भारत के जलीय मार्ग के माध्यम से खोज के प्रयास प्रारंभ किए गए उल्लेखनीय कि प्राचीन काल से ही भारत और माध्यम से व्यापार होता रहा है चौदहवीं और पंद्रहवीं सदी में स्थलीय व्यापारिक मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगी जिसके कारण यूरोपियन द्वारा भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु नवीन जल मार्गो की खोज हुई भाई अलेक्जेंडर सिकंदर जिसको हम भारत में कहते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं यूरोप से ही आया था पर वो स्थलीय मार्ग से आया था कभी कोई भी यूरोपियन जलीय मार्ग से समुद्र मार्ग से भारत नहीं पहुंच पाया था यूरोपियन देशों द्वारा नवीन जल मार्ग की खोज का सबसे पहला कारण था कुतुन दुनिया पर अरबों का अधिकार यूरोपियन द्वारा नई भौगोलिक खोज के लिए कंपटीशन और वहां पर नौ परिवहन या जहाज रानी मतलब जो हमारी जहाजों के निर्माण की टेक्नोलॉजी है डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग एंड नेविगेशन यूरोप में काफी तेजी से प्रसारित होने लग गया था इसी दौरान कुस्तुन दुनिया पर अरबों का जो अधिकार होता है पहले कुस्तून तुनिया जो वर्तमान में तुर्की के अंतर्गत आता है पूर्वी के यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत आता है वर्तमान का स्तंबुलंतु चौदह सौ में मध्य एशिया के अरबों ने कुस्तुन तुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसी कारण से पूर्वी एशिया और यूरोपियन देशों के बीच व्यापार का मार्ग स्थलीय मार्ग स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया कुस्तुन तुनिया भूमध्य सागर के निकट एक और सागर है रूम सागर तथा तो काला सागर के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग है जो यूरोप को एशिया से जोड़ने का एकमात्र स्थलीय मार्ग था अर्थात कुस्तुन दुनिया का आधा हिस्सा यूरोप में और आधा हिस्सा एशिया के महाद्वीप में आता था अगर हम बातचीत करें तो आप देख सकते हैं कि ये रूम सागर है और यज्ञ अगर हम बातचीत करते हैं ये वाला जो तुर्की वाला क्षेत्र है ये वाला जो इस्तांबुल वाला भाग है यहाँ पर कब्जा कर लिया था अरब वासियों ने और उन्होंने कब्जा करने के बाद इस रास्ते को पूरा रोक दिया ये यूरोपियन मैप है इसे अगर मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँ तो इसको ध्यान से देखना ये काला सागर ये मेडिटेरियन सी है और इसी रास्ते से ये ब्रिटिशर्स ब्रिटेन द्वीप समूह है इसी रास्ते से अलग अलग यूरोपवासी पहले भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते थे और अगर इस रास्ते पर ही किसी ने कब्जा कर लिया हो तो ऑब्वियसली अब उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उस समय ये ज़मीन थी वहाँ स्वेज नहर नहीं बनाई गई थी स्वेज नहर 1869 में बनती है और हम बातचीत चौदह सौ तिरपन के ज़माने की कर रहे हैं तो उस समय उनके लिए यही एक रास्ता था जिससे वो भारत पहुँचते थे हाँ कई लोग कहते हैं कि भाई भारत पहुंचने का एक रास्ता इस मार्ग से भी था लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मतलब हम कहेंगे कि पर्वतीय रास्ता होने के कारण बहुत कठोर और काफी लंबा रास्ता था परिणाम स्वरूप अब इनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा तो अब इनको तो भारत के रास्ते को खोजने का एकमात्र विकल्प है अब सवाल है कि यूरोपियन के द्वारा नई खोजें क्यों हो रही है क्योंकि व्यापार के स्थलीय मार्ग में अवरुद्ध हो जाने के बाद पुनर्जागरण के कारण यूरोपियन देश विशेषकर पुर्तगाल और स्पेन द्वारा नई भौगोलिक खोजें की जाने लगी ताकि व्यापार को पुनः प्रारंभ किया जा सके भाग्यवश इस समय पुर्तगाल का शासन हेनरी के अधीन था और हेनरी एक ऐसा शासक था जो ऐसे लोगों को मोटिवेट करता था प्रमोट करता था ताकि आप जितना ज्यादा हो सके नई जगह को खोजा जा सके हेनरी द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दिशा सूचक यंत्र के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ ही नक्षत्रों की गणना करने वाली कई सूचियों का निर्माण करवाया गया इसी कारण इन्हें द नेविगेटर के उपनाम से भी जाना जाता है इस दिशा सूचक यंत्र की सहायता से यूरोपियन व्यापारी समुद्री मार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार के लिए प्रेरित हुए साथ ही हेनरी ने विदेशी व्यापार के लिए व्यापारी कंपनियों को मदद भी की थी और इसी दौरान 1492 में स्पेन के कोलंबस द्वारा भारत की खोज करने के क्रम में अमेरिका की खोज कर बैठता है बाद में चौदह में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत की खोज की और भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम प्रारंभ हुआ जो हमने तीसरा कारण बताया था कि यहाँ बड़ी तेजी से शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी यूरोप में पंद्रहवीं शताब्दी में जहाज रानी और नौ परिवहन का उच्च स्तर पर विकास हुआ पुर्तगाल जैसे देश द्वारा निजी व्यापारियों को भी समुद्री जहाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया जबकि उस जमाने में हमारे देश में केवल राजा के पास ही थोड़े बहुत जहाज होते थे इस प्रकार नौ परिवहन के विकास ने पूर्वी देशों के साथ यूरोपियन देशों के समुद्री संपर्क को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया तो कहानी के इस पड़ाव में हमने ये देखा कि किस तरीके से भारत की स्थिति थी और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यूरोपियन लोगों की मजबूरी थी भारत का समुद्री मार्ग खोजना फिर यहां पर उस दौरान कई यूरोपियन नागरिकों ने अलग अलग जगह खोजे थे ये पुर्तगाल का वास्को डिगामा भारत खोजा था स्पेन का कोलंबस अमेरिका को खोजा खोज रहा खोज चुका था और ब्रिटेन का कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज कर बैठा था हॉलैंड का तस्मान हॉलैंड का तस्मान नामक व्यक्ति जिसने वान डिमंस लैंड खोजा था जिसका बाद में नाम तस्मानिया और न्यूजीलैंड रखा गया जो ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर देखा होगा तो ये न्यूजीलैंड और यहाँ तस्मानिया होता है तो इसकी खोज हॉलैंड क्या तस्मान ने की थी लेन था जिसे बाद में तस्मानिया और न्यूजीलैंड कहा गया यूरोपियन द्वारा नई भौगोलिक खोजों में भारत यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य मसालों और कपड़ों का व्यापार था भारत में आकर यूरोपियन कंपनियों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित किया थोड़ा यहां समझना तो यहां पर यूरोपियन मान लीजिए एक जहाज लेकर आया तो भारत के मान लेते हैं किसी बंदरगाह पर वो जहाज खड़ा किया अब उस व्यक्ति का काम है पूरे भारत से सामान जहां जहां से वो जा सकता है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करनी है आठ दस महीने की तो भारत के जितनी जगहों से सामान कलेक्ट कर सकता है वो सामान कलेक्ट करेगा तो वे लोग क्या करते थे कि बंदरगाह के समीप में एक जमीन लेकर एक जमीन को अपने पास मतलब किराए से लेते थे भारतीयों से और उसके चारों तरफ सुरक्षा वॉल बना देते थे किला बना देते थे किला और उसको फैक्ट्री नाम देते थे फैक्ट्री लेकिन वास्तविक रूप में वो आधुनिक या नहीं है वास्तविक रूप में वो फैक्ट्री केवल एक भंडार ग्रह है पर वो ऑब्वियसली उस जहाज में लगभग 100-200 लोग आते थे क्योंकि एक जहाज नहीं जहाजों का एक बेड़ा आता था और आपको सुनकर एक बात अचरज लगेगी कि इन यूरोपियन देशों में इतना गंदा कंपटीशन था कि अगर किसी एक देश के जहाज का बेड़ा किसी दूसरे देश के जहाज के बेड़े के संपर्क में आया तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाता था और वो किसी एक जहाज के बेड़े को डुबा देते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये जहाज पहुंचा तो फिर हमारा सामान सस्ता बेचना पड़ेगा तो कंपटीशन इतना गंदा कंपटीशन था कि वे आपस में समुद्र में ही लड़ लेते थे पहले तो कई बार नुकसान भी कर बैठते थे क्योंकि व्यापारी व्यक्ति कोई नैतिकताओं का पालन नहीं करते खास करके यूरोपियन व्यापारी तो ऐसी परिस्थिति में वो बंदरगाह के समीप जो जगह लेते थे ना उसको नाम हम कहेंगे फैक्ट्री और उसका नाम किला इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके चारों तरफ सुरक्षा क्योंकि सामान खरीद के ला रहे हैं तो ऐसा ना हो भाई इधर यूरोपियन भारत से सामान खरीद कर जमा कर रहा है फैक्ट्री में और दूसरा कोई भारतीय उसको चोरी करते जा रहा है तो ऐसा ना हो तो इसके लिए वो किला सुरक्षा वाली वॉल बनाते थे और ये सब उन्होंने इटली से सीखा था इटली उस जमाने में ऐसी चीजें करता था अपने देश में इस तरीके का वहां पर एक माहौल था तो भारत में आकर यूरोपियन कंपनियों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की हालांकि यह बस्तिया अथवा फैक्ट्री उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि केवल भंडार ग्रह थे यहाँ पर वस्तु और मसाले आदि का संग्रह कर उन्हें यूरोप भेजा जाता था यह बस्तिया किलेबंद क्षेत्र की तरह होती थी जिनमें वस्तुओं के भंडारण के अलावा कार्यालय और व्यापारियों के आवास भी होते थे उल्लेखनीय है कि भारत में बस्तियों के निर्माण की यह कला पुर्तगालियों द्वारा मूलतः इटली के व्यापारियों से सीखी गई जिसे बाद में अन्य यूरोपियन कंपनियों ने भी अनुसरण किया था तो रियलिटी में वो उसी जगह पे रहेंगे जितने भी वो समूह लोग आए हैं क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे जगह पर आएंगे तो खतरा रहेगा जान का माल का तो वे सभी लोग उसी किले के अंदर भी रहते ही थे तो वो बस्ती ही कहलाती थी, थी कि भाई वहाँ कोई विदेशियों की टोली आई है पुर्तगालियों की टोली आई है जिन्होंने वहां बस्ती बना ली है तो कई बार हम उनको कहेंगे कि वो बंदरगाह के पास ही अपनी बस्ती का निर्माण करते थे अगर अलग अलग कंपनियों की हम बातचीत करें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे हम कहेंगे कि उसकी स्थापना उस देश में स्थापना का मतलब उस देश में वो कंपनी कब बनी और भारत में पहली कोटी का मतलब कि भारत में उसने पहली बंदरगाह के पास वो फैक्ट्री कब डाली तो वो कंपनी पुर्तगाल में उसी समय बन गई थी जब वास्को निकला था किसी दूसरे ने बनाई थी वास्को की नहीं वास्कोडिगामा तो अपना ही जहाज लेकर आया था और कोचिन में पहली कंपनी पहली कोठी उन्होंने फैक्ट्री डाली फिर डच वालों ने 1602 में जो बन गई थी 1605 में मछली पट्टनम में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी सब में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा रहेगा क्योंकि वो सभी पूर्व के देश के साथ व्यापार कर रहे हैं और पूर्व मतलब भारत के साथ वो बन तो 1600 में गई थी लेकिन पहली कोठी 1608 में स्थापित होती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनती है और 1620 में भारत में ट्रांकबेर में पहली एक फैक्ट्री खोलती है और आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी सोलह में एक तरीके से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलती है इमेजिन करो कि लगभग सौ वर्ष के बाद दूसरे देश के लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद तो फिर लोग नहीं हर देश का व्यक्ति पहुंचने लग गया है काफी लंबे समय तक पुर्तगाली की मोनोपोली रही थी ट्रिक्स के लिए पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में ली पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में ली तो ये अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियों का भारत में आगमन है ये उनके देश में उस कंपनी का स्टैब्लिशमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी देश में पहले कंपनी बनेगी तब जाकर तो वह किसी दूसरे देश में अपना नाव जहाज लेकर आ जाएगी बोट लेकर आ जाएगी राजा से अनुमति लेगी ठीक अब एक एक की कहानी समझनी है कि भारत में पुर्तगाली आए तो क्या किया फिर भारत में पुर्तगालियों के बाद डच आए तो कैसी सिचुएशन रही फिर उसके बाद दूसरे लोग आए तो क्या कहानी हुई आज हम सभी कंपनियों कम, का एक मोटा वर्णन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट वा, ब्रिटिश वाली रहेगी अंग्रेजों वाली रहेगी उसको हम थोड़ा सा कम पढ़ेंगे क्योंकि आगे वाली क्लासेस केवल उसी की रहेगी पर बाकी सारी कंपनियों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चाएं कर लेंगे तो पहले तो आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि क्या सभी को यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं सभी को यह आइडिया लग रहा है कि क्या कहानी चल रही है किस तरीके की बातचीत है बढ़िया अब आते इसके दूसरे पड़ाव पर अब हमें एक एक कंपनी को देखना है कि पुर्तगालीज में पहले वास्को आता है, फिर वास्को के बाद एक दूसरा पुर्तगीज भी आता है वो वाले नहीं, लोग हैं फिर वापिस वास्को डिगामा आता है और फिर पुर्तगालीज बकायदा एक कंपनी के रूप में भारत में अपनी फैक्ट्री डालना शुरू करते हैं अरबों के व्यापारिक प्रभाव को समाप्त करना मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना पर देखो धर्म का प्रसार इनका मेन मकसद तब नहीं था मेन मकसद तो यही दो चीज है कि मसाला और कपड़ा व्यापार में वह मोनोपोली की प्लानिंग में रहे थे वह मोनोपोली चाहते थे तो ये जो वास्को डिगामा है यह इस जगह से निकला है और आते समय बहुत लंबा रास्ता फिर अब्दुल मजीद से यहाँ मुलाकात होती है और अब्दुल मजीद फिर उसको घुमाते हुए ले जाता है और वह इस जगह पर काली कट वाली जगह पर पहुंच पाता है फिर लौटता है तत्कालीन राजकुमार मैनुअल प्रथम के आह्वान पर पुर्तगाली व्यापारी और नाविक नाविका द्वारा मई चौदह में भारत की खोज की गई वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कैप ऑफ गुड होप जिसे आज कैप टाउन कहते हैं अफ्रीका का उस जमाने में उसका नाम कैप ऑफ गुड होप था कालीकट तट पर स्थित कथाक डाबू नामक स्थान पर पहुंचता है तो तट का नाम कालीकट जगह का नाम कथाक डाबू और इस जगह का जो शासक था जो राजा था वह काफी मतलब आनंदित महसूस होता है कि भाई महोदय इतनी लंबी यात्रा करके भारत पहुंचे हैं उल्लेखनीय कि कैप ऑफ गुड होप की खोज पुर्तगाली नाविक मतलब जो अफ्रीका का जगह है कैप ऑफ गुड होप इसकी खोज नाविक पुर्तगाली नाविक ने ऑलरेडी पहले ही कर ली थी बार्थोलोम्यू तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो वास्को वास्कोडिगामा वहां बाद में पहुंचा उसके पहले बार्थोलोम्यू कर चुका था कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को वास्कोडिगामा का स्वागत किया हालांकि भारत में पहले से ही विद्यमान अरब व्यापारी द्वारा जमोरिन के इस कदम का विरोध किया गया ऑब्वियसली जो व्यापारी होंगे विरोध करने का मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उन्हें कि भाई शासक ने भी यहाँ का अनुमति दे दी और ये जो हमने एकाधिकार रखा था ये जो मोनोपोली रखी थी देखो भाई भारत के नजर से तो अच्छा हुआ ना कि भारत का सामान खरीदने के लिए अब केवल अरब वासी ही नहीं कई और आएंगे तो हमारे भारतीय लोगों को महंगा बेचने का मौका मिलेगा जितनी डिमांड ज्यादा रहेगी कीमत उतनी वसूली जा सकती है तो जमोरिन के द्वारा जब स्वागत किया गया तो जो ऑलरेडी यहाँ पर व्यापार करने अरब वासी आए थे उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई वास्को डिगामा जब पुर्तगाल वापस लौटा तो उसने भारत से लेकर गए मसालों को साठ गुना अधिक मूल्य पर बेचा इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी भारत आगमन के लिए आकर्षित हुए इससे पुर्तगाली और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नया युग शुरू हुआ इस क्रम में पंद्रह ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अलवारेस कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली है भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली महोदय का नाम है पेड्रो अलवारेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली व्यापारी और पुनः वास्को डिगामा। लालच आ गया अब वास्को डिगामा को वास्को डिगामा पुनः भारत आया इस प्रकार पुर्तगाली व्यापारियों के भारत आगमन का क्रम प्रारंभ हुआ इस प्रकार मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाल थे समुद्री मार्ग से फलस्वरूप 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की अब इस व्यापारिक कोठी का मतलब क्या है भाई व्यापारी कोठी का मतलब है कि कोचीन नामक बंदरगाह पर नजदीकी एक जमीन को रेंट पर लेकर वही पर वहां से आए हुए लोग बस गए और उन्होंने भारत की अलग अलग जगह से सामानों को संग्रहित करके वहां से पुर्तगाल भेजना शुरू किया अब यहां एक और चीज कि राजा लोग इतना मदद क्यों कर रहे हैं वहां के पुर्तगाली वाले तो उस समय यूरोप में बहुत ही युद्ध वाले दौर थे मतलब हर देश दूसरे देश पर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या अपना शक्ति स्थापित करने की कोशिश करता था और वही राजा संपन्न जो राजा संपन्न होता था जितना ज्यादा उसकी सेना उतनी बड़ी होती थी और संपन्नता का एक तरीका यह था कि जितना ज्यादा व्यापार होगा उस राष्ट्र का उतना ज्यादा उस राष्ट्र की संपन्नता आएगी पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग भारत में प्रथम यूरोपियन दुर्ग भी कह सकते हैं अल्बू कर्क अल्बू कर्क द्वारा 1503 में कोचीन में किया गया तो अल्बू कर्क ने पहले दुर्ग का निर्माण दुर्ग मतलब किले का निर्माण किया अब आते हैं अब यहां पर कंपनी अब समझना जरा भाई ये कोई साधारण काम थोड़ी है इतने लंबी जहाज की यात्रा करना जहाज के ऊपर कुछ सैनिक भी दिए जाते थे लिए जाते थे इन जहाज व्यापारियों के द्वारा काफी लोग होते थे मजदूर होते थे तो कंपनी शासन उधर मतलब जो कंपनियां बनती थी तो वो जब जहाज का सबसे मुख्य व्यक्ति चुनते थे तो जैसे आज अगर हम जहाज का मुख्य व्यक्ति चुनेंगे तो उसको नाम देंगे कैप्टन कि भाई ये जहाज का कैप्टन है उस समय वो गवर्नर कहते थे भाई कि गवर्नर है और फिर वह वहाँ के पूरा जिम्मेदारी लेता था कंपनी के सामान को मतलब जो सामान हमें भेजना है उसको कलेक्ट करने की उसके हिसाब किताब की तो एक तरीके से वह मुख्य होता था व्यक्ति गवर्नर कहलाता था पर आज के दौर में वो जो गवर्नर आज का है वो बहुत अलग चीज है उस जमाने में गवर्नर का मतलब होता था एक तरीके से सैन्य शक्ति भी उसके पास है एक तरीके से पूरे आर्थिक निर्णय भी उसको लेने हैं एक तरीके से भारत में यहाँ पर पूरे दुर्ग किले के निर्णय उसे लेने हैं कोठी के अंदर के कि कहीं पर दो पुर्तगालियों के बीच में झगड़ा ना हो तो उसका नाम गवर्नर रख दिया गया था अपनी व्यापारिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर अब गवर्नर मतलब ऐसा कुछ मत सोचना कि वो भारत आकर कोई हवाबाजी करेगा ज्यादा शक्ति का विस्तार कुछ नहीं नॉर्मल व्यापार करने के मकसद से आएगा थोड़ा बहुत क्षेत्र वो अपने कब्जे में करने की कोशिश कर सकता है जो बंदरगाह के आसपास का होगा वैसे भी हमारे राजा लोग उस समय तटीय क्षेत्र पर वास्तविक रूप में उतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना कि बाद में कर्नाटक के राजाओं के द्वारा दिया गया 1509 में फ्रांसिस्को डी ने दीव पर, दमनोर दीव पर जैसा जो एक द्वीपीय क्षेत्र है ना उस पर अधिकार कर लिया था मतलब वो पूरा द्वीप अब उनके कब्जे में था अल्मेडा ने हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति भी अपनाई इस क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के बाद अब वो इस समुद्री मार्ग पर भी अपना कब्जा चाहता था क्योंकि वो चाहता जानता है कि हर कोई जहाज इसी रास्ते से होकर पहुंचेगा अल्मेडा की दूरदृष्टि का परिणाम था कि उसने तत्कालीन भारतीय शासकों के विपरीत समुद्री व्यापार के महत्व को समझ लिया था इस समय पुर्तगालियों का मेन मकसद था शांतिपूर्वक व्यापार करना और भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार मोनोपोली क्यों चाहते थे वो क्योंकि यूरोप में जब मसाला जाए तो केवल पुर्तगालियों के माध्यम से पूरे देश में जाए ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी मनमाफी कीमत पर उसे बेच सके शांत जल की नीति का मतलब देख लो ब्लू वाटर पॉलिसी ने समुद्री क्षेत्र में पुर्तगालियों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया पुर्तगाली कंपनी ने भारत और यूरोप के मध्य होने वाले समस्त समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की रणनीति अपना ली इसका मतलब कि यदि इस समुद्र रास्ते से आपको शांतिपूर्वक जाना है तो आपको हमारी अनुमति लेनी होगी और अनुमति का मतलब कि आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा जैसे आज के जमाने में सड़कों से जाने के लिए अच्छे नेशनल हाईवे से जाने के लिए आपको रोड पर अलग अलग टाइप के जो फास्टैग के माध्यम से पैसा काटा जाता है कुछ वैसा ही इन्होंने भी इस ब्लू पॉलिसी के तहत सारी चीजों को लागू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत फिर 1509 में जो अलबू कर्क ने दुर्ग बनाया था उसी को गवर्नर बनाकर भेजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद 1509 में अल्बू कर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और अल्बू कर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का मतलब जितना भी पुर्तगालियों ने जमीन क्षेत्र कब्जा किया वो सब कहीं न कहीं इसके परिणाम के कारण अल्बू कर्क ने जहां एक और पुर्तगाली शक्ति को भारत में बढ़ाया वही दूसरी और भारतीय और पुर्तगाली संबंधों की आधारशिला भी रखी अल्बुकर्क ने भारतीयों को भी पुर्तगाली सेना में छोटे पदों पर भर्ती किया देखो अब अल्बुकर्क जो व्यक्ति आ रहा है ना ये क्या माइंडसेट से आ रहा है अल्मेडा तो पहला माइंडसेट रखा था कि भाई मुझे तो बस व्यापार करना है अब अल्बुकर्क का थोड़ा सा प्लानिंग क्या है अल्बुकर्क का थोड़ा सा प्लानिंग ये है कि वह इस क्षेत्र में भारतीयों की मदद प्राप्त करके अपने क्षेत्र को थोड़ा बड़ा करेगा मोनोपोली ऑलरेडी हो चुकी है तो वो थोड़ा सा जमीन और यहाँ के क्षेत्र के कब्जे पर भी ध्यान देगा क्योंकि वो जानता है कि अगर क्षेत्र कब्जे में आ गया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और वहाँ डर नहीं रहेगा वहां पर वह बड़ी मात्रा में चीजें संग्रहित करके अपनी बस्तियां बसा सकता था निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने तो प्रेरित किया ताकि भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसाई जा सके सुगमता पूर्वक व्यापार किया जा सके अल्बू कर्क ने कोचिन के क्षेत्र में सती प्रथा पर भी रोक लगाई 1510 में अल्बू कर्क ने बीजापुर के शासक बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह यूसुफ उसके कब्जे में था गोवा वो आदिल शाह यूसुफ से सैन्य अभियान के माध्यम से गोवा जीत लिया और अल्बू कर्क ने पंद्रह में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र मलक्का जो इंडोनेशिया के क्षेत्र से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है उस जगह पर भी कब्जा कर लिया तट पर हार्मोस समुद्री क्षेत्र पर भी नियंत्रण हारमोस देखना अभी मैं हारमोज दिखाऊंगा फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र रहेगा वहां पर भी कब्जा कर लिया तो दूसरा जो गवर्नर है अलबू कर्क वो ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है वो भारत में अब कुछ कब्जे क्षेत्र के करने जा रहा है और उसमें गोवा गोवा को जीत लेता है पुर्तगाली अब यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनना पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में कर लिया था और 1971 में सॉरी उन्नीस में उन्नीस में गोवा को छोड़ता है मतलब पुर्तगालीज आते सबसे पहले हैं और जाते सबसे लास्ट में है अंग्रेज चले गए थे सैतालीस में लेकिन गोवा नहीं आजाद हुआ था गोवा को उन्नीस में भारत के कब्जे में लाया गया था तो इसका मतलब कि पुर्तगीज आए सबसे पहले लेकिन गए सबसे बाद में और पुर्तगीज ने गोवा को किनसे जीता था आदिल शाह यूसुफ कहाँ का राजा था बीजापुर में उसका अपना शासन था और अलबू ने 1511 में मलक्का को पर अपना कब्जा कर लिया और 1515 में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित हारमूज को भी कब्जे में कर लिया ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है मलक्का वाला और ये वाला जो क्षेत्र है हारमोज वाला यहां तो ऑलरेडी आ चुका था अब जरा देखते चलो यहां पर भी यहां ऑलरेडी आ चुका है यहां उसकी बस्ती आ चुकी है गोवा भी अपने कब्जे में आ गया है आप अगर ध्यान से देखो तो अब पुर्तगालियों के कब्जे का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है समुद्री ज्यादा स्थलीय कम लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है यह है मलक्का मलक्का जल संधि मलक्का जल संधि और यह है हार्मोस की जल संधि दीव ऑलरेडी प्राप्त कर चुका था गोवा पर कब्जा कोचीन पर भी अपनी फैक्ट्री वो डाल चुका था फिर नीनू डी कुन्हा पंद्रह में भारत में गवर्नर बनकर आया उन्होंने भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचीन को गोवा ट्रांसफर किया टू बी नोटेड मिलोट इस पुर्तगीज शासक गवर्नर ने अपनी राजधानी मतलब राजधानी का मतलब कि अपना जो कामकाज का पूरा का पूरा सबसे बड़ा सेंटर होगा वो गोवा शिफ्ट किया तो नीनू डी कुन्हा नीनू डी कुन्हा तो तीन पुर्तगीज गवर्नर के बारे में चीजें याद रखेंगे अल्मोड़ा अल्बुकर्क और नीनू डी कुन्हा तीनों के बारे में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अल्मेडा सॉरी अल्मेडा अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक बहुत अच्छी तरह से क्षेत्र विस्तार किया और नीनू डी कुन्हा उसका मेन मकसद है कि वह क्षेत्र चेंज कर रहा है और इसके अलावा कुन्हा के द्वारा मद्रास में जो सिंतोम जगह है वहाँ अपनी बस्ती बसाई गई बंगाल के हुगली में बस्ती बसाई गई और दीव पर काठियावाड़ा जो क्षेत्र काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अपनी बस्तियाँ स्थापित की गई और भारत में पुर्तगालियों की फैक्ट्रीज बढ़ते चली गई 1503 में कोचीन में 1505 में कन्नूर में 1510 में गोवा में चटगांव और सतगांव पंद्रह में चटगांव कमेंट्स करिएगा जरा किस इस समय वर्तमान में किस देश में है दीव में और दमन में और इस तरीके से पोर्तगी की फैक्ट्रिया लगातार विस्तारित होती गई यूरोपियन शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए और 1632 सौ ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूर्णतः नष्ट करने का आदेश दिया क्योंकि पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया था तो सोलह आते आते शाहजहां को लगा कि ये पुर्तगीज तो अब ठीक नहीं है पदुचेरी उस जमाने में पौंडीचे पदुचेरी।, पदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी जमाने में पौडीचेरी पौडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया हालांकि इसके बाद डचों ने पॉण्डीचेरी में अपनी व्यापारिक कोठिया खोली और सोलह में फ्रांसीसियों ने भी पौंडीचेरी पर अपना व्यापारिक बस्ती तो पांड पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र है आज भी यदि आप पदुचेरी वाले क्षेत्र देखोगे तो मैक्सिमम वहाँ की इमारतें वहाँ की जो बिल्डिंगे हैं वो यूरोपियन आर्किटेक्ट वाली मिलेगी क्योंकि पुर्तगीज सबसे पहले आए फिर डच आए फिर फ्रांसीसी आए तो एक क्षेत्र ऐसा बन गया जहाँ पर अलग चीजें मिलती हैं सत्रह में अंग्रेजों ने पदुचेरी को पूर्णतः अपने नियंत्रण में लिया किंतु 1814 सौ ईस्वी की पेरिस की संधि के तहत पदुचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया तो इस घटनाक्रम में अंग्रेजों को एक बार वो अपने कब्जे में मिल भी जाता है लेकिन कुछ वर्षों के बाद पुनः वह फ्रांस के पास पहुंच जाता है तो कहानी के इस पड़ाव में पुर्तगीज ने कैसे अपना विस्तार किया पदुचेरी पर कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से देश के अलग अलग नाविक अलग अलग व्यापारी कंपनियों ने कब्जा किया और पुर्तगीज़ की अगर हम अगर हम पदुचेरी की बात करें तो वह अंग्रेजों के पास आ चुका था लेकिन 1814 में पुनः फ्रांसीसी के पास चला गया और इसीलिए पदुचेरी में आज भी बहुत से लोग फ्रेंच बोलते फ्रेंच भारत में कुछ ऐसे गांव है जहां पूरी लोग ही बोलते हैं पदुचेरीवाल पद्धति पुर्तगालियों ने जब भारत के तटवर्ती क्षेत्र सहित हिंद महासागर में स्थिति मजबूत कर ली तो कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति का, का अनुसरण किया कार्टेज आर्मेडा काफिला वही जो शांति वाली नीति है इस पद्धति को औपचारिक रूप से कब और किस गवर्नर ने शुरू किया इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता पर इसके तहत पुर्तगालियों ने भारतीय तथा अरब व्यापारियों के समुद्री जहाज को बिना परमिट के अरब सागर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुगल सम्राट अरब अकबर के जो जहाज थे उन्हें भी परमिट लेना पड़ता था इतना यहां के जल पर अरब सागर पर ने नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इस पद्धति के माध्यम से न केवल पुर्तगालियों की समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्चता स्थापित हो गई बल्कि गोला बारूद और काली मिर्च पर प्रतिबंध लगाने से व्यापारिक और सामरिक सुरक्षा भी प्राप्त हो गई उन्होंने मना कर दिया था कि इस जहाज में आप गोला बारूद और काली मिर्च लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस पर उनकी मोनोपोली थी यह परमिट प्रणाली इतनी मजबूत थी कि स्वयं मुगल सम्राट अकबर के जहाजों को भी अरब सागर में प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी तो मोटे तौर पर कहे तो यह एक पद्धति थी कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति और उन्होंने ये कोशिश की थी कि भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए मतलब इसको जो ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया गया था कि अरब सागर में झगड़े ना हो कंपटीशन ना हो इसलिए आप हमसे अनुमति लो और काली मिर्च को तो वह काली मिर्च मतलब एक अगर थोड़े बहुत किचन में कभी जाते होंगे तो गोल दाने वाली मिर्च होती है काफी मतलब सुगंधित खुशबू के लिए भी जानी जाती है तो काली मिर्च पर उनका इकलौता इकलोता मोनोपोलियोर बारूद को भी जाने नहीं देते थे ताकि उस क्षेत्र में शांति रहे और उनका पूरे उस अरब सागर वाले क्षेत्र पर ऐसा नियंत्रण हो कि कोई भी जहाज उनकी अनुमति के बगैर न जा सके पुर्तगालियों की भारत में सफलता के कारण देखो दूरदृष्टि थी अच्छे जहाज थे अच्छा शुरुआत में नेतृत्व मिल गया था और क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था भाई सबसे पहले आए सबसे पहले आओ सबसे पहले पाओ तो ऑब्वियसली सबसे पहले आएंगे तो इसी कारण से तो उन्हें अग्रणीयता मिल जाएगी पुर्तगाली शासन ने भी उन्हें मदद की कंपनियों को अच्छे नौ सैनिक थे मतलब समुद्री सैनिक थे कुशल और योग्य गवर्नर मिल गए अल्मेडा जैसे अल्बुकर्क जैसे निनोदी कुना जैसे तटवर्ती क्षेत्र पर नियंत्रण में पहली प्रायोरिटी रखी ब्लू वाटर पॉलिसी की झगड़े ना हो और उस समय भारतीय शासक अयोग्यता तो नहीं कहूंगा मैं भारतीय शासक की अयोग्यता तो नहीं कहेंगे हाँ लेकिन वो उतने दूरदर्शी नहीं रहे कि वो तट को समझ सके तट के महत्व को पहचान सके और इसी का फायदा उठाया पुर्तगालियों ने और अपना तेजी से विस्तार किया लेकिन सवाल यह कि सर फिर पुर्तगाली ने हमारे देश पर शासन क्यों नहीं किया इसका मतलब ठीक है भाई पुर्तगालियों ने शुरुआती सफलता तो हासिल की लेकिन वास्तविक रूप में पुर्तगाली भारत पर शासन नहीं कर सके मतलब वो आज अगर हम हिसाब किताब जोड़े तो असफल कहलाएंगे कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत क्षेत्र आया लेकिन असफल रहे भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण भारतीय जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति मतलब भारतीय जनता के साथ आपने देखा होगा कि केवल अरबू कर्क ने थोड़ा बहुत प्रयास किया वो भी निचले पदों पर ही भारतीयों को जगह दी और भारतीयों को मतलब एक तरीके से जोड़कर चलना साथ में लेकर भारतीयों के साथ लेकर निर्णय लेना पार्टिसिपेशन नहीं था तो मतलब टॉलरेंस अच्छा नहीं था थोड़ा बहुत ईसाई धर्म का प्रसार करते थे और उस समय तो भारत ऐसे समय में था जहां पर हर व्यक्ति अपने धर्म पर अलग ही महत्व आ, एक आ, मतलब एक तरीके से गर्व करता था पुर्तगालियों द्वारा नए उपनिवेश ब्राजील और पुर्तगालियों ने जब ब्राजील खोजा तो अमेजोन के जंगल वहां के नेचुरल रिसोर्स वहां पर सोने के कई सारी खदानें ऐसी चीजें उनके कब्जे में आई कि उन्हें लगा कि भारत से भी ज्यादा बड़ी चीज हमारे हाथ में आ गई है अन्य यूरोपियन कंपनियों से भी कंपटीशन होना शुरू हुआ था फिर क्योंकि 1505 से फिर दूसरी कंपनियां 1605 से दूसरी कंपनियों ने आना शुरू कर दिया था भारत से प्राप्त लाभ का वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके केवल सामान बेचकर ही काम करने लगे पुर्तगाल में सोने चांदी और तांबा नहीं रहा तो जो व्यापारी थे जब वो धातु नहीं लेकर आएंगे हमारे देश में तो हम उन्हें मसाला क्यों देंगे पुर्तगाली द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली या भारत से प्राप्त धन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि तो पुर्तगाली स्वयं अपने देश से सोना चांदी तांबा लाते हैं अंग्रेजों का सत्रह की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल से ही पैसा कलेक्ट करते हैं टैक्स का और उसी पैसों से भारत में सामान भी लेते हैं और वो अपने देश में बेचते तो भाई उनकी तो शक्ति बढ़ नहीं थी पर ऐसा इन्होंने नहीं किया कभी कालांतर में पुर्तगालियों की नियति उनकी भारत में असफलता का एक प्रमुख कारण रही तो बहुत सारे रीजन है, है शासन स्थापित नहीं कर पाए पुर्तगियों की भारत को क्या देन रही तो भारत में तंबाकू पुर्तगियों ने लाया गन्ना अनानास पपीता आलू मक्का ये सब पुर्तगीज ने भारत में लाया और इसे भारत में एक तरीके से अलग अलग जगह पहुंचा तो मक्का या आलू पुर्तगीज और पुर्तगालीज कहाँ से लाए थे आलू वो ब्राजील से लाए थे तो पुर्तगीज लोग आलू को गर्मी के मौसम में बोते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी का मतलब खरीफ का जो मौसम होता है उसमें इतना टेम्परेचर होता है जितना हमारे यहाँ ठंड में होता है तो आलू वहाँ खरीफ की फसल हमारे यहाँ रबी की फसल पर तंबाकू, गन्ना अननस ये सारी चीज़ें पुर्तगीज़ की है अननस हमारे देश का नहीं है और कई बार मैं देखता हूँ कि जो महाभारत और रामायण के पुराने एपिसोड है नए तो मैंने नहीं देखे मुझे नहीं पता कैसे हैं लेकिन पुराने काफी बेहतर हैं तो उनमें कई बार फ्रूट की टोकरी में अननस दिखाया जाता है तो वो ठीक नहीं है क्योंकि अननस तो उस समय जिस दौर का रामायण और महाभारत है उस दौर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं भारत के तटवर्ती क्षेत्र में कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रसार भारत एशियाई में ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले समुद्री मार्ग से आए पुर्तगाली पहले थे गोवा दीव जैसे क्षेत्र पर चर्च का निर्माण पंद्रह में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ी देन 1556 में प्रिंटिंग प्रेस समुद्री व्यापारिक महत्व से परिचय कराया समुद्री जहाज निर्माण का परिचय भारत में गोथिक विक्टोरिया स्थापत्य कला का विकास गोथिक स्थापत्य कला का मतलब बहुत नुकीले भवनों के निर्माण की बातचीत है तो ये हमारे लिए एक तरीके से पुर्तगालीज के आने के कारण भारत में चीज़ आई गोथिक विक्टोरियन स्थापत्य कला ऊंची त्रिकोणा इमारतें पतले नुकीले एक से अधिक शिखर इमारतों में बड़ी बड़ी खिड़कियां इमारतों के निर्माण में पहली बार स्टील और लोहे का प्रयोग और इंजीनियर जैसी चीजों को स्टैंडर्डों को देखा गया वैसे तो इंजीनियरिंग हमारे देश में उससे भी बेटर थी लेकिन इस समय जो आधुनिक इंजीनियरिंग आ गई थी जिसमें प्रकाश से लेकर कई सारी चीजों पर गौर किया गया था ये इस तरीके को कहते गोथिक या विक्टोरिया आर्किटेक्ट या आप जो देख सकते हैं बहुत नुकीला और ऊंचा पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में भारत से गए औपचारिक रूप से गोवा दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाली सरकार के अधीन ही था फिर 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर मेनुअल एंटोनिया सिल्वा था जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जोसेफ फेरजरा बोसा था ये थोड़ा नोट रखना क्योंकि उस समय गोवा कब्जे में नहीं था हमारे उन्नीस में बारहवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गोवा दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए औपचारिक रूप से भारत की संप्रभुता के अंतर्गत शामिल किया गया और उसके बाद उन्नीस में गोवा को 25वें राज्य के रूप में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया एक कंप्लीट राज्य बनाया गया तो जरा प्रश्नों के उत्तर देने आप लोगों को कमेंट्स करते चलिएगा अभी तक जितना पढ़ा उसके आधार पर निम्नलिखित को जोड़ी बनाने में लिखना है कि भाई ये समुद्री यात्री और उसका देश वो किस देश का था ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वास्को डिगामा इसी से ही चीजें पता चल जाएगी ए का दो होना चाहिए केवल इतना ही पता हो पुर्तगाल का वास्को डिगामा भारत खोजा स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका ब्रिटेन के कैप्टन कुप ने ऑस्ट्रेलिया हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमानसलैंड तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड खोजा निम्नलिखित यूरोपियन शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया इनका सही क्रम क्या है पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में ली तो ऑब्वियसली पहला चार आएगा और ऐसा एक ही ऑप्शन है तो सोचना ही नहीं है निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता के स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए आए सबसे लास्ट में कौन आया प्रश्न है कि सबसे अंत में कौन आया था भाई सबसे अंत में कौन आया तो ऑब्वियसली सोचना ही नहीं है सबसे अंत में सबसे पहले पुर्तगीज फिर डच फिर ब्रिटिश फिर फ्रांसिस हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट और फिर मुगल सम्राट शाहजहां ने सारी बस्तियां खत्म कर दी थी तो पुर्तगालियों ने अब आते हैं भारत में डचों का आगमन डच का मतलब पहले वो समझ लीजिए डच का मूलत मतलब होता है नीदरलैंड नीदरलैंड के जो निवासी हैं या नीदरलैंड और हॉलैंड के जो निवासी हैं पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापारिक उद्देश्यों के आने के क्रम में दूसरा स्थान है भारत में वस्त्रों के निर्यात सर्वप्रथम डचों को ही जाता था पर यहाँ एक अच्छी बात क्या है पुर्तगालियों के आने के सौ वर्षों के बाद जब पुर्तगाली आए तो दिल्ली सल्तनत काल था जब डच आएंगे तब तक मुगल काल आ जाएगा पुर्तगालियों के आगमन के लगभग सौ वर्ष बाद डच पहली बार भारत में आए इसका एक प्रमुख कारण था कि डचों ने इससे पहले इंडोनेशिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियां को प्राथमिकता दी थी मतलब भारत इतना लेट इसलिए आए क्योंकि वो इंडोनेशिया पर ज्यादा फोकस्ड थे उन्हें लगता था कि व्यापार तभी ज्यादा बेटर होगा जब कंपटीशन कम हो और उन्हें ये अनुमान था कि पुर्तगालीज भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं तो वो इंडोनेशिया के साथ ही अपनी प्रायोरिटी रखने लगे पंद्रह में डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउट मेन के नेतृत्व में भारत आया था पंद्रह में इस डच व्यापारी कंपनी का मूल नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो कई छोटी छोटी व्यापारी कंपनी के जुड़कर बनी थी क्योंकि ऑब्वियसली ये जो डच कंपनियां थी इनको सरकार की तरफ से उतनी सहायता नहीं मिली तो कई सारी डच कंपनियों ने मिलकर एक समूह बनाया और एक नई कंपनी खड़े की जैसे हमारे देश में कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती वैसे ही डचों ने बाटविया इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया था और भारत स्थित डच कंपनी इसी मुख्यालय के अंतर्गत आती थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का डच सरकार का नियंत्रण था और कंपनी द्वारा भारत में की जाने वाली सभी संधिया डच सरकार के नाम से होती थी मतलब एक तरीके की पब्लिक सेक्टर हो गई हालांकि डच कंपनी को युद्ध और संधि तथा क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्राप्त थी तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है तो अभी मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब शायद ही मिला होगा आपको डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में पोर्ट विलियम 1781 का निर्माण कराया था बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में सोलह में स्थापित हुई थी इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए बंगाल में डचों ने 1635 से लेकर 1656 तक हुगली में कारखानों का संचालन किया 1656 में हुगली के एक गांव चिंसुनरा में सोलह में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का केंद्र बनी सत्रहवीं सदी की समाप्ति तक डच कंपनियां कासिम बाजार पटना ढाका मालदा बालासोर, बारंगोर जुगदिया फतवा इत्यादि स्थानों पर स्थापित हो गई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपने कारखाने स्थापित किए बंगाल की समृद्ध व्यापार की ओर आकर्षित होकर डचों ने 1615 एवं सोलह में असफल प्रयास किए यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें सोलह में मिला सोलह में उन्होंने पटना में क्योंकि उस समय जो बिहार उड़ीसा बंगाल ये पूरा एक ही होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ पटना में डच कारखाने की स्थापना संबंधित कोई सटीक प्रमाण नहीं है किंतु इतिहासकार ओम प्रकाश ने सोलह में पटना में डच कारखाने की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए और आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गया वर्तमान में डच फैक्ट्री वह स्थान है जहां आज पटना कॉलेज के नाम से विख्यात है मतलब वही डच फैक्ट्री जो एक जमाने में थी वो आज पटना कॉलेज है तो डचों के बारे में फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं हमें कुछ ज्यादा बातें याद नहीं रखनी है भारत में जो डचों का आगमन आया वो पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर आया उसका बड़ा कारण था इंडोनेशिया पंद्रह में डचों का पहला दल ना में हाउट आया था और वह कई छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर बना था और एक और बड़ी बात थी कि उसका जो मेन केंद्र था वो इंडोनेशिया से ही कंट्रोल किया जाता था और कुछ प्रश्न के माध्यम से ही चीजों को कवर करेंगे डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम सत्रह में निर्मित किया बंगाल में सबसे पहला जो हुगली में आया था उसके साथ ही हमने बहुत सारी बातें की पहली कंपनी पिपली में स्थापित की थी अब आते हैं डचों के बाद अंग्रेज और अंग्रेजों के बारे में तो बहुत सी कहानियां और बहुत सी चर्चाएं अब जब यूरोप के दो देश तीन देश भारत दो देश भारत पहुंच चुके हैं तो तीसरा देश तो आगे बढ़ेगा ही ब्रिटेन की महारानी से ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई कि आप भारत में व्यापार करने जाओ हमारे देश से कोई दूसरी कंपनी आपकी कॉम्पिटिटर नहीं होगी आप व्यापार करने के लिए भारत में मोनोपोली रखते हो 1600 में कंपनी बनी थी लेकिन कंपनी को भारत में पहुंचते हुए या फिर पूरी अनुमति लेने के बाद भारत आने में टाइम लग गया डच पहले पहुंच गए और फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और क्योंकि आप जानते हैं कि यह कंपनी पूरी तरह से व्यापार के लक्ष्यों से आई थी पर उसे तो समय और मौके मिलते चले गए और फिर उसने पूरे देश में सबसे बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया डो के बाद पंद्रह सो निन्यानवे सोलह सो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आगमन हुआ मतलब आगमन हुआ इस समय नहीं था कंपनी बनी व्यापारियों के एक समूह ने की सोलह सो ईस्वी तक समस्त विश्व के लगभग एक चौथाई वस्तुओं का उत्पादन भारत में होता था जबकि इस समय ब्रिटेन के संदर्भ में केवल चार परसेंट मतलब पच्चीस परसेंट दुनिया की चीजें हम पैदा करते थे और इसीलिए भारत आने के लिए हर कोई आतुर था इस दौरान एक घुमंतु ब्रिटिश व्यापारी रॉल्फ फिच को पूर्व की यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में जानकारी मिली रॉल्फ फिच नामक एक यात्री रोल्फ फिच ने जब ब्रिटेन जाकर भारत की समृद्धि के बारे में बताया तो एक अन्य ब्रिटिश व्यापारी जेम्स लेकेस्टर के नेतृत्व में 200 प्रमुख व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का विचार आया और इसी दिशा में उन्होंने एक व्यापारी कंपनी की स्थापना की यह बदमाश भारत के पूर्वी देशों में मतलब इस पूर्वी देशों की यात्रा में जब भारत के बारे में उसको जानकारी पता चली कि भारत में इतने सारी चीज़ें बनती हैं वैसे भारत की समृद्धता पर उसको ज़्यादा अचरज रहा और उसी कारण से उसने जब ब्रिटेन में व्यापारियों से चर्चाएं की तो जेम्स लेकेस्टर नामक एक व्यापारी ने 200 व्यापारियों को मिलाकर एक बड़ा सपना देखा कि भारत में व्यापार करेंगे इसी कंपनी का औपचारिक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज कंपनी था जिसे कंपनी का गठन मूलतः पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संदर्भ में किया गया और कंपनी का मूल उद्देश्य पूर्व के साथ मसाले और काली मिर्च का व्यापार था 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया यह अधिकार केवल समुद्री माध्यम से व्यापार करने के लिए था इस एकाधिकार का, का तात्पर्य यह था कि ब्रिटेन से कोई अन्य सरकारी और निजी कंपनी विशेषकर भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी उसका एक बड़ा कारण था क्योंकि उस जमाने में माना जाता था कि यदि एक ही देश की दो तीन कंपनियां व्यापार करेगी तो उनके बीच में कंपटीशन होगा और कंपटीशन अगर उनके बीच में हुआ तो किसी को भी ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा इसलिए व्यापारी कंपनियां इन कोशिशों में लगी रहती थी कि उनकी मोनोपोली रहे भारत के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को प्रारंभ से ही समाप्त कर दिया गया था यही कारण था कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक के साथ राजनीतिक स्वरूप को प्राप्त करने में सफल भी हुई क्योंकि अन्य तत्कालिक यूरोपियन कंपनी के संबंध में व्यवस्था किसी भी यूरोपियन सरकार ने नहीं की और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गठन से ही अन्य यूरोपियन कंपनियों के संदर्भ में अग्रगामी हो गई थी सोलह सौ में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सम्राट जेम्स प्रथम ने सोलह सौ में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया पहले एक सीमित तब के लिए बातचीत आएगी ये 1602 सो दो है 1602 सो दो और सोलह सो आठ नौ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप से वर्ष 1608 सो में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल को भारत भेजा जो सबसे पहले सूरत पहुंचा यह दल जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम हेक्टर था अब 1608 1608 सो, आट, सो मुगल शासन है और वह भी एक ऐसा शासक जो एक ऐसी धरोहर छोड़ कर गया है जिसमें अशोक से ही तुलना की जाती है तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन अकबर एक मजबूत और एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपने पीछे छोड़कर अपने उत्तर अधिकारियों को सौंप गए थे इस प्रकार समुद्री मार्ग से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस था निजी रूप से 1599 में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जॉन मिल्डेन हॉल था मतलब वो व्यापारी अकेला ही आया था पर यह कंपनी के रूप में आया है कैप्टन हॉकिस ने भारत आगमन के बाद दिल्ली में जहांगीर से सूरत में व्यापारी केंद्र स्थापित करने की अनुमति मांगी अब देखो यहां पर भी थोड़ी राजनीति होगी जहांगीर से अनुमति इसलिए क्योंकि जहांगीर का शासन है लेकिन जहांगीर के दरबार में कुछ पुर्तगीज भी है पुर्तगीज वो तो सबसे पुराने थे तो वो जहांगीर को सजेशन देंगे कि मत दो इनको अनुमति लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट हो जाता है कि पुर्तगीज और अंग्रेजों का एक जगह पर झड़प हो जाती है और अंग्रेज पुर्तगीज को हरा देते हैं इसी खबर को ध्यान में जब रखा जाता है तो शुरुआत में जहांगीर अनुमति नहीं देता लेकिन बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे देता है प्रारंभ में जहांगीर ने हॉकिंस को अनुमति प्रदान कर दी बाद में स्थानीय भारतीय व्यापारी और पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर ने अनुमति को रद्द कर दिया किंतु 1613 में जहांगीर ने कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी और ये अंग्रेज इतने बदमाश कि बगैर अनुमति के भी कोठी स्थापित कर चुके थे मतलब केवल नाम मात्र की अनुमति उस समय अगर प्रॉपर तरीके का संचार होता कम्युनिकेशन होता भारत का नंबर वन मीडिया वाला होता तो शायद वो जहांगीर को बता देता कि देखो तुम्हारी बगैर अनुमति के वो काम कर रहा है इसका प्रमुख कारण 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट द्वारा आगरा के निकट स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगाली सेना को पराजित करना था जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ इस समय कंपनी की सेना का नेतृत्व मिडिल्टन और वेस्ट नामक अधिकारी द्वारा किया गया कंपनी द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 में की गई जबकि 1611 में बिना मुगल सम्राट की अनुमति के दक्षिण के मछली पट्टनम में एक अस्थायी कोठी वो पहले स्थापित कर चुके थे तो सूरत में 1613 में और 1611 में मछली पट्टनम में इन महोदय ने अपनी कोठी पहली खो स्थापित कर दी थी सूरत वाली बिल्कुल ऑफिशियल थी मछलीपट्टनम फिर बाद में ऑफिशियल हो ही जाएगी तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि शुरुआत में जहांगीर ने अनुमति दी बाद में विरोध हुआ फिर नहीं दी पर 1613 में पुनः अनुमति उन्हें मिली और उसका कारण रहा पुर्तगीज को हराना आगरा के उस छोटी सी झड़प में सूरत की व्यापारिक कोठी का नेतृत्व थॉमस एलवर्ड को सौंपा गया कंपनी भारत से मसालों के साथ ही सूत नील पोटेशियम नाइट्रेट और चाय का निर्यात चाय वैसे भारत में उतना उत्पादन नहीं होता था तब चाइना के माध्यम से चाय को एक तरीके से हम कहेंगे कि निर्यात किया जाता था इस समय कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी थी कंपनी चांदी के माध्यम से भारत में भुगतान करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अनौपचारिक व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मछलीपट्टनम में और औपचारिक 1613 में सूरत में फ्रांसीसी द्वारा भी भारत में अपना सबसे पहला कारखाना 1668 सूरत में ही खोला जाता है क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी मतलब ब्रिटेन से कंपटीटर थे ही। सूरत और मछलीपट्टनम में व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आह्वान पर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने दूत को जहांगीर के दरबार में भेजा अब देखो ऐसा क्यों हुआ होगा ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि महाराज आप भी महाराज है इधर उधर जहांगीर भी महाराज है तो क्या होता है कि भाई राजा राजा बराबरी के लेवल की बात आएगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा तो एक मुलाकात हो जाएगी एक दूत मिल लेगा तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां का शासक भारत का शासक कुछ सहूलियत दे देगा अब थोड़ा यहां मैं थोड़ा मैं यूरोप की एक कहानी भी बता दू। इस समय ये जो चल रहा है यह दौर सोलह है तेरा सोलह 1613, बीस का दौर है और आपको यह पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में सोलह में इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति होती है जहां राजा से पूरी शक्तियां छीन ली जाती है लेकिन यह सोलह में होती है अभी तो इंग्लैंड का सारे निर्णय लेने का इकलौता व्यक्ति अगर है संसद भली थी लेकिन उतनी शक्तिशाली नहीं थी जो सोलह के बाद होगी तो इस समय राजा की शक्तियां ज्यादा थी इंग्लैंड में इस दूत का नाम था थॉमस रो और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मध्यम वाणिज्यिक संबंध के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली कंपनी की नौसेना और समुद्री शक्ति से परिचित थी और पुर्तगाली कंपनी का सामना करने में असमर्थ थी तो इन्होंने कूटनीति अपनाई कि भाई हम उनके जहाजों के साथ लड़ेंगे नहीं लेकिन अगर भारत का शासक हमें ज्यादा अनुमति दे दे तो शायद हम पुर्तगी से आगे बढ़ सकते हैं यद्यपि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था

हमारी मर्जी है तुम्हें हम काम करने दे रहे जब हमारा मूड होगा तो भगा देंगे तो मोटे तौर पर ऐसा कुछ नहीं था कि मोनोपोली की अनुमति नहीं थी इतिहासकारों का मत है कि तत्कालीन मुगल शासक विदेशी व्यापार विशेषकर समुद्री व्यापार को अधिक महत्व नहीं देते थे और न ही भारत जहाज रानी के क्षेत्र में इतना डेवलप था इसी साथ ही समय पुर्तगालियों का विरोध का भी जहांगीर को डर था किंतु थॉमस रो एक कुशल कूटनीतिज्ञ था उसने भारत में व्यापार करने की कुछ सुविधाएं जहांगीर से अवश्य प्राप्त कर ली और इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोलह सो ईस्वी तक सूरत मछलीपट्टनम भड़ोच अहमदाबाद आगरा में अपनी व्यापारी कोठिया बना डाली तो कहने का मतलब है कि जो थॉमस रो था उस थॉमस रो ने एक अच्छी बात की कि चलो भाई जहांगीर ने अनुमति नहीं दी मोनोपोली की लेकिन कुछ सहूलियत तो प्राप्त कर लेते हैं कुछ बेनिफिट तो प्राप्त कर लेते हैं अब आए हैं तो तो जहांगीर से वो सहूलियतें प्राप्त कर ली अंग्रेजों की बढ़ती व्यापारी गतिविधियों के कारण पुर्तगालियों के साथ उनका संघर्ष होना स्वाभाविक था किंतु इस समय तक अंग्रेजों की नौसेना क्षमता पुर्तगालियों की तुलना में अब बढ़ चुकी थी 1620 सो में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और यही से पुर्तगालियों का पतन क्योंकि जिसके बलबूते वो हवाबाजी कर रहे थे वो थी नौसेना और पुर्तगालियों की नौसेना को अंग्रेजों ने 1620 में हरा दिया दूसरी और व्यापारिक संघर्ष के कारण पुर्तगाली कंपनी और केंद्रीय मुगल सत्ता में भी तनाव उत्पन्न हो गया और इसका प्रत्यक्ष लाभ अंग्रेजी कंपनी को मिला क्योंकि इससे पुर्तगाली कंपनी ब्रिटिश कंपनी के संदर्भ में संतुलन की स्थिति में बनी रही इसका मतलब जहां पर भी पुर्तगाली कंपनी कई बार जहांगीर जा, या उनके आने वाले शासकों को नाराज कर देती थी वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वाली वो काम पूरा कर देती थी जो वो शासक चाहता था सोलह में मुगल सेना ने पुर्तगालियों को कलकत्ता और हुगली से हटा दिया अगले कुछ दशकों तक विभिन्न यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के बीच छोटे छोटे संघर्ष होते रहे किंतु व्यापारी गतिविधियां चलती रही सोलह ईस्वी में बंगाल के ने अंग्रेजों को सुतानाती गोविंदपुर कालीकट की जमींदारी प्रदान की और इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चारनाक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की जिस फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर बना तो इतने पॉइंट ना याद रहे तो घबराना नहीं बस इतना याद जरूर रखना कि जो थी, थी, गोविंदपुर कालीकट की जमींदारी थी उसके माध्यम से कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की जिसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर फोर्ट मतलब किला 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा अंग्रेजों को दस्तक नामक एक शाही फरमान जारी किया गया जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी को समस्त बंगाल में बिना कोई शुल्क दिए व्यापार करने की अनुमति मिली अब धीमे धीमे जो मुगल शासक आए उन मुगल शासकों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सहूलतें दी उसके कारण इनका व्यापारिक बेनिफिट बढ़ता गया और साथ ही साथ भारत में वह व्यापार को विस्तार भी करने में सफल हो पाए पुर्तगाली इसको हरा, हरा दिया था जो मेन उनका प्रतिद्वंदी उस समय था और फर्रुख सियर जैसे शासक से दस्तक जैसी अनुमति मिलना एक बहुत बड़ी बात हो गई व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था पहला अधिकार पत्र तो लिवेंट कंपनी थी लिवेंट कंपनी को पंद्रह में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र था व्यापार करने का स्थल मार्ग से क्योंकि जल मार्ग से तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया और पूर्वी द्वीप समूह के साथ एक नई योजना तैयार की इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से पंद्रह में कंपनी बनाई द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन ट्रेडिंग पहली कंपनी लिवेंट थी जिसको स्थलीय मार्ग से मोनोपोली मिल चुके थे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन स्थलीय मार्ग का मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कंफ्यूज मत होना लिवेंट कंपनी को के रास्ते से व्यापार करने की मोनोपोली थी कि भाई उस मार्ग में कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगी तुम्हारे आड़े और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी थी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था तो ऑब्वियसली 1600 का दौर है तो अकबर के अलावा कौन होगा पंद्रह से सोलह इस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला तो कारखाना तो 1611 में खुला था और तब तक तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तो जहांगीर का शासन शुरू हो चुका था जहांगीर के शासन काल में सोलह सो ग्यारह में मछली खोला था जिसे मछलीपट्टनम या मसूली कहते हैं और फिर 1613 में सूरत में पहला स्थायी कारखाना निम्नलिखित यूरोपियन कम व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया कौन सी यूरोपियन कंपनी जिसने सूरत में सबसे पहले कारखाना खोला तो ऑब्वियसली सूरत में सबसे पहले अंग्रेज ही क्योंकि पुर्तगालियों ने दीव कोचीन गोवा इन चीजों को कब्जे में लिया था 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहा स्थापित की तो 1613 में सूरत में 1611 में मछली पट्टनम में सोलह में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली तो 1613 में सूरत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री खोली औपचारिक था मछली पट्टनम में अनौपचारिक खोल चुके थे सोलह सूरत में डचो द्वारा सोलह सो में सूरत में डच भी आए और फ्रांसीसियों द्वारा सोलह में और वो पहली कंपनी थी फ्रांसिसियो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी प्रेसिडेंसी का मतलब पश्चिमी गवर्नर वाली बातें तो कंपनी ने प्रारंभिक दौर में सूरत को अपनी प्रेसिडेंसी बनाया था किंतु बाद में से बंबई स्थापित किया तो पहले सूरत में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था तो बंबई तो इनको पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई को पुर्तगालियों से दहेज स्वरूप प्राप्त किया था सोलह सो में इंग्लैंड के सम्राट द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था फलस्वरूप 10 पौंड वार्षिक किराए पर सोलह ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई सौंप दिया गया था बताइए बंबई दहेज में मिला था ऐसी कैसी बातें इतिहास में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था तो याद रखिएगा वो जो स्वाली आगरा के करीब झगड़ा हुआ था उस समय थॉमस बेस्ट नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विलियम हॉकिन 1608 में सूरत से मुगल दरबार में पहुंचे किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति प्राप्त करने में सफल नहीं हुए 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडिलटन सूरत के समीप नहीं सवाली गलत है ये सूरत के समीप नहीं मछली पट्टनम ये थोड़ा सा यहां गलत हो गया निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया सत्रह में सत्रह में अभी हम देखेंगे आगे आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्काशित किया गया था मतलब किस गवर्नर को औरंगजेब ने भगा दिया था तो जॉन चाइल्ड बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने सोलह में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयत्न किया फलस्वरूप ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्काशित करने का आदेश दिया अंततः जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफी मांग ली जॉन चाइल्ड उस क्षेत्र की पहचान करे जा यूरोप वासियों का सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त तो होता है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है सब कुछ ही असंगत है मतलब एक तो ब्रिटिश कंपनी मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार और गलत कार, का, कार्य मतलब कोई सहयोग एक दूसरे को नहीं करते और वो उसी व्यवस्था का भाग है सब कुछ असंगत है टीबी मैकाले ने लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक था अठारह सो चौतीस से अठारह तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में विधि सदस्य और विधि आयोग का अध्यक्ष रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जा सब कुछ ही असंगत है मतलब बहुत ही मिसमैच है शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था सत्रहवीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश मतलब 1625 तक तो 1625 तक केवल भरूच तक में वो पहुंच पाए थे केवल और केवल भरूच तक सत्रहवीं सदी के पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया ने सूरत भरूच बुरहानपुर अहमदाबाद और आगरा में खोल दिया था कारखाना अब अंग्रेजों के बाद भारत में आते डेनिश डेनिश व्यापारिक कंपनी 1616 में भारत आती है इसके द्वारा वर्ष 1620 में त्रावन कोर तंजोर में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है इसके लंबे समय के बाद 1676 में बंगाल के सेरामपुर में दूसरी कोठी तो डेनिश लोग 1620 में अपनी पहली त्रावन कोर तंजोर में कंपनी की स्थापना करते हैं और 1676 में वह दूसरी कोठी काफी लंबा गैप लिया इन्होंने हम कहेंगे कि तब तक न जाने कितनी चीजें बदल गई क्योंकि सोलह में तो फ्रांसीसी भी आ गए थे भारत में तो त्रावन कोर के बाद दूसरी बंगाल के सेरामपुर में दूसरी कोठी किंतु डेनिश कंपनी ने भारत में व्यापारिक उद्देश्यों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि पहली बात तो ये बहुत छोटी कंपनी थी और दूसरा भारत में व्यापार का इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ अतः सत्रह में डेनिश ने अपनी पूरी भारतीय व्यापारिक कोठिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए तो मोटे तौर पर कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत काम किया 1616 में पहली पहली बार डेनिश आते हैं 1620 में तंजोर में कोठी खोलते हैं 1676 में बंगाल के सहरामपुर में और कहानी खत्म हो जाती है 1745 में अंग्रेज़ों को उन कंपनी को अपनी कंपनी बेचकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ रखा नहीं है और निकल जाते हैं तो पुर्तगीज़ के कई सारे जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेज़ या तो जीत लेते या दहेज में मिल जाते हैं डेनिश तो बेचकर ही चले जाते हैं और डच बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करते जब पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भारत में अपनी स्थिति और शक्ति खो रही थी तब ब्रिटिश कंपनी अपना व्यापारिक प्रसार कर रही थी उसी दौरान सोलह में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो सोलह में भारत में आगमन करती है निम्नलिखित में से किन स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे लगभग सभी जगह पर फ्रांसीसियों का भारत आगमन अन्य यूरोपियन कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया फ्रांसीसी कंपनी के भारत में देरी से आने का प्रमुख कारण फ्रांस की तत्कालीन अशांत राजनीतिक और आंतरिक परिस्थितियां थी देखो भाई 1668 में फ्रांस में लुई का शासन था और इस समय फ्रांस में स्थितियां ठीक नहीं थी इंटरनल माहौल बहुत खराब था फ्रांस की जो क्रांति होती है वो 1789 में होती है तब उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन का उदय होता है और फिर फ्रांस एक मजबूत शक्ति बनता है लेकिन अभी फ्रांस में उतनी मजबूत शक्ति के रूप में नहीं था और इसी कारण से फ्रांसीसी कंपनी को भारत पहुंचने में बहुत टाइम लगा सोलह में फ्रांस के तत्कालीन सम्राट लुई चौदह के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की यह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिसका उद्देश्य पूर्वी देश विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना था फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी के भारत में देरी से आने का एक लाभ यह हुआ कि कंपनी को भारत में अपनी व्यापारिक कोटी स्थापित करने में संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि जब वो सोलह में आए तब तक केंद्रीय सत्ता केंद्रीय सत्ता भले ही मजबूत थी लेकिन ऑलरेडी कई सारी कंपनियों की स्थापना के कारण अब इनको भी उसी तरीके से आसानी से सारी बातों का लाभ मिला क्योंकि इस समय केंद्रीय मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो चुका था दूसरी और यूरोपियन कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना एक सामान्य बिंदु था कुछ ही समय के बाद फ्रांसीसी कंपनी अड़सठ में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित कर दी इस कोठी का नेतृत्व को सौंपा गया इसके बाद 1669 में ने अपनी अगली व्यापारिक कोठी मछली पट्टनम जहां अंग्रेज है वही जा रही है चूंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी उसे सरकार द्वारा सहायता भी प्राप्त थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की तुलनात्मक रूप से अन्य यूरोपियन देशों से मजबूत स्थिति मानी जाती थी। अब यहां एक बहुत बड़ा जो चैलेंज खड़ा होगा वो बस इतना सा ये है कि फ्रांसिस आए तो बाद में है लेकिन चीजें वो उस तरीके से नहीं देखेंगे थोड़ा नया जैसे अंग्रेज अगर किसी भारतीय राजा के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहे तो फ्रांसीसी वहां राजा से बेहतर मित्रता करेंगे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनका कोई प्रतिद्वंदी है तो वो केवल और केवल अंग्रेज है भारत में इस समय मुगल शासन के साथ ही पुर्तगाली कंपनी की शक्ति छीन हो रही थी उपयुक्त परिस्थितियों ने शीघ्र ही फ्रांसिस और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी को कॉम्पिटिटर बना दिया और परस्पर संघर्ष का आधार निर्मित कर दिया भारत की आंतरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण भारत की आंतरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार के काल में भारत की आंतरिक स्थिति अब कमजोर हो गई थी देखो भाई अब औरंगजेब के जाने के बाद दिल्ली की केंद्रीय हुकूमत में कोई इतना शक्तिशाली राजा नहीं होगा जो पूरे देश को नेतृत्व दे सके अब ऐसी सिचुएशन में भारत के कई सारे छोटे छोटे रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित नहीं करेंगे लेकिन अब वो उतने नहीं डरेंगे अब इन रजवाड़ों को अपना व्यापार बढ़ाना है या इन रजवाड़ों को अपनी शक्ति बढ़ानी है तो कभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के से बातचीत होगी तो कभी फ्रांसीसी कंपनी से साथ ही देशी रियासतों के शासकों में केंद्रीय सत्ता के प्रभाव से स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति भी मुखरित होने लगी यह संक्रमणकालीन दौर था जब क्षेत्रीय शासकों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो चुकी थी तथा क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता हेतु गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी स्थानीय शासक द्वारा सत्ता प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश अथवा फ्रांसीसी सैन्य शक्ति और समर्थन की आवश्यकता थी अतः दोनों व्यापारिक कंपनियों का गठजोड़ क्षेत्रीय शासकों के साथ प्रारंभ हो गया इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फ्रांसीसी कंपनी के बीच कर्नाटक के तीन युद्ध होते हैं जिनमें अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत होती है अब देखो यूरोपियन कंपनियों में कंपटीशन तो ऑलरेडी था ही लेकिन इसमें फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में झगड़े का बड़ा कारण था क्योंकि वहां यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ऑलरेडी बहुत से युद्ध हुए हैं तो ये दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते जैसे आज भारत और पाकिस्तान उस जमाने में फ्रांस और ब्रिटेन और इसी कारण से यहां पर भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहने वाले यूरोपियन कंपनियों के बीच तनाव और संघर्ष क्यों उत्पन्न हुए था इसके दो प्रमुख कारण थे पहला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यूरोपियन कंपनियों के देशों में परस्पर द्विपक्षीय तनाव उस जमाने में थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध इस इस पहले कारण को हम आधुनिक विश्व के इतिहास में भी देखेंगे और दूसरा भारत में सभी यूरोपियन कंपनी व्यापार में मोनोपोली और, के के और फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों के समक्ष व्यापार के एक ही मूल बिंदु उपस्थित थे तो इस में भारत में एवं सूती की कीमतों में स्वाभाविक वृद्धि हो गई जिसका संबंध वर्तमान की मांग और आपूर्ति की अर्थशास्त्रीय अवधारणा से समझा जा सकता है स्थिति में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के समक्ष दो ही विकल्प उपस्थित थे पहला भारतीय उत्पादों को अपेक्षाकृत अधिक कीमत में खरीद कर यूरोपीय बाजार में किंतु इससे दोनों को लाभ नहीं होता और दूसरा कि प्रतिद्वंदी कंपनी को खत्म करें भाई जब दो कंपनियां सामान लेने आएगी तो इंडियन व्यक्ति तो दोनों का कंपटीशन देखते हुए कीमत बढ़ा देगा और इसमें फिर कंपनियों को ज्यादा बेनिफिट नहीं था और दूसरा बड़ा चैलेंज था दूसरा बड़ा तरीका था कि कम, आ, दूसरी कंपनी को खत्म कर दो जो थ्री डेट में नहीं कहते कि एग्जाम में टॉप करने के दो तरीके हैं पहला या तो खुद ज्यादा पढ़ाई कर लो या सामने वाले को पढ़ाई ना करने दो तो ये इनके तरीके हैं किंतु दूसरे विकल्प के संबंध में ब्रिटिश और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कुछ मूलभूत अंतर थे जिनमें सबसे प्रमुख अंतर दोनों कंपनियों के नियंत्रण की प्रकृति ईस्ट इंडिया कंपनी निजी थी फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी जहां एक और सरकारी नियंत्रण के अधीन होने कारण फ्रांसीसी कंपनी स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी वही पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त ब्रिटिश इंडस्टिया कंपनी ज्यादा सशक्त स्वायत्त और बहुविकल्पीय थी और ऑब्वियसली इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन वाली थी उसको बढ़त मिल गई वो सही समय पर सही निर्णय ले सकती थी फ्रांसीसी कंपनी को निर्णय लेने के लिए पहले फ्रांसीसी मतलब लुई चौदह से अनुमति लेनी पड़ती थी उसके बाद ही वो कुछ कर पाता था हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता अथवा फ्रांसीसी कंपनी की विफलता के कुछ अन्य कारण भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध भारत में अंग्रेजों और फ्रांसियो के बीच लड़े गए तीन कर्नाटक के युद्ध रहे ये हमें आगे पढ़ने हैं अगले चैप्टर में जिसमें तीसरा युद्ध फाइनल ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है पहले युद्ध में तो रियल में फ्रांस का पलडा भारी रहता है दूसरे युद्ध में भी फ्रांस का पलडा भारी रहता है लेकिन निर्णायक नहीं मानते ऑस्ट्रिया के प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के, के साथ आरंभ होता है मतलब उधर युद्ध शुरू होता है फिर इधर भी शुरू हुआ है गृह सरकारों के आदेशों के बावजूद दोनों कंपनियों के बीच सत्रह में भारत में युद्ध शुरू हो गया मतलब वहां के दोनों ने कहा था कि तुम मत करना अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व तो में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना युद्ध का तत्कालिक कारण यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एक्सला शाफेल की संधि से हुई और प्रभाव स्वरूप भारत में भी युद्ध खत्म हुआ पर फ्रांस यहां अग्रणी था दूसरा युद्ध कर्नाटक के नवाब के पद के लिए कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने चांद साहब का समर्थन किया वही अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का समर्थन किया दक्कन के सुबेदार के लिए फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया अंग्रेजों ने नासिर जंग का चांद साहब और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को हरा दिया चांद साहब कर्नाटक का नवाब और मुजफ्फर जंग दक्कन का सुबेदार बन गया लेकिन बाद आई आखरी जिसको कहते ना कि अंतिम मतलब स, अंत भला तो सब भला छप्पन में क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शांति पुनः समाप्त हुई इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और युद्ध की हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि पहले का चार सी का थ्री एक्सला शापेल सत्रह सो अड़तालीस की संधि के संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ दोनों ही बातें सही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया यूरोप का युद्ध बंद होते कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हुआ मद्रास अंग्रेजों को पुनः मिल गया भारत में फ्रांसिसियों के हार के कारण एक तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी और इस कारण से कंपनी के डायरेक्टर को जानते थे कि हमारा कोई लाभ हानि नहीं है यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझे रहना भारत में कंपनी की गतिविधि पर ज्यादा ध्यान न देना अंग्रेजों का बंगाल भाई सत्रह में जो फ्रांस प्लासी की लड़ाई होगी अंग्रेजों के हाथ में इतना सक्षम और इतना बेहतरीन राज्य हाथ में आ जाएगा तो उनकी संपन्नता बढ़ जाने के कारण अब वह कहीं ना कहीं फ्रांसीसी कंपनी से अग्रणी हो जाएंगे और अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी से बहुत अच्छा था भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण थे उनके पास बहुत बढ़िया हथियार थे उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से तोपे और यूरोपियन बंदूकें लाई थी सैन्य अनुशासन उस जमाने में सबसे बेस्ट अंग्रेजों का माना जाता था कुशल नेतृत्व यू हेस्टिंग मुन्द्रो जैसे नेतृत्व युद्धकर्ता मिले उन्हें और फाइनेंशियल मजबूती सबसे बड़ा कारण रहा बंगाल का कब्जा उनको मिलने के बाद उनके पास पैसे बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े और अंग्रेजों में राष्ट्रीय गौरव भरा हुआ था अंग्रेजों में एक जुटता थी जहां भारतीय शासक लड़ रहे थे वही अंग्रेजों में जुटता थी अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत असफलता के कारण क्या रहे तो हम कहेंगे दोनों ही बड़ी बातें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना हम कहेंगे सभी कारण दिख रहे हैं उपयुक्त तीनों फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों की पराजय का प्रमुख कारण कमजोर नौसेना थी वॉल्टेर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना नुकसान हुआ कि सप्तवर्ष युद्ध के समय फ्रांस के पास एक भी जलपोत नहीं था और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली और सक्षम सेना आ गई थी डुप्ले फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक सेवा में भारत आया सत्रह में चंद्रनगर का गवर्नर बना डुपले की कार्य कुशलता को देखते हुए 1741 में अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र पदुचेरी का गवर्नर बनाया गया जहां सत्रह तक अपने पद पर रहा हिंदु बाद में त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसी कंपनी की पराजय के बाद सत्रह को डुपले को वापिस बुला दिया गया लेकिन डुपले होता तो शायद जीत जाते हैं, फ्रांस किंतु अनरउद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली इस युद्ध में बच गया था और उसे त्रिचनापल्ली में शरण ले ली कर्नाटक के प्रारंभिक दोनों युद्ध में डुपले ने महत्वपूर्ण नेतृत्व करते हुए फ्रांसीसी कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर विजय दिलाई थी किंतु तो डुपले ने अपने कार्यकाल के दौरान दो बड़ी भूलें की पहली भूल यह थी कि उसने फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी जिससे कंपनी का प्रशासनिक और व्यापारिक संतुलन बिगड़ गया डुपले ने दक्षिण भारत की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया किंतु उसके पास उसके लिए कोई मजबूत रणनीति नहीं थी दक्षिण भारत जैसे विशाल भूभाग को फ्रांसीसी कंपनी के नियंत्रण में नहीं ले पाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रमिक रूप से भारत में स्वयं को विस्तार दिया बंगाल को कब्जे में करने के बाद अवध और और बाकी क्षेत्रों को कब्जे में किया और इसी कारण से डुबले को वापिस जाना पड़ा डुबले ने ही सहायक संधि बनाई थी लेकिन वो यूज नहीं कर पाया इसका यूज फिर लॉर्ड वेले जली ने किया था सहायक संधि जिसके तहत सेना रखने की जरूरत नहीं हम आपकी मदद करेंगे कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना शुरू किया तो डुपले इसे आप पढ़ लीजिएगा योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के बाद भी राव भूमि जिससे उसने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया वो क्षमता जो उसने दर्शाई वो उसके जाने के बाद भी उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया और उससे अत्याधिक लाभ उठाए किसे भारत में फ्रांसिसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है आलबर्ट वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री पेड्रो भारत आने वाला दूसरा डेलमेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जॉन और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की गेरॉल्ड अंगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक जॉब चारना कोलकाता का संस्थापक चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम शासक तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा ने अपनी पहली कंपनी सूरत में खोली थी कैरो के नेतृत्व में प्रथम कर्नाटक के युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच प्रतिद्वंदिता की जगह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और फिर यहां जो कारण बना था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रह पदुचेरी गोवा ट्रावनकोर और मद्रास कमेंट्स करते चलिएगा आंसर गोवा पुर्तगालीज के बेसिस पर भी उत्तर आप निकाल सकते 2022 का सवाल था डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रिया गोदाम स्थापित किए अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था दूसरा गारंटेड सही होगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी तो कमेंट्स करिएगा क्या आंसर रहेगा इसका बाकी आठ फरवरी से हमारा फाउंडेशन बैच अनएकेडमी पर आ रहा है जिसमें आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2024 25 की शुरुआत कर सकते हैं शेयर लाइक करते चलिएगा बीच बीच में मास्टर की एनर्जी थोड़ी कम होती गई है थोड़ा सा मैंने स्पीड से करवाया है बाकी आप इसका पी प्रॉपर कवर कर लीजिएगा और चीजों को प्रॉपर पढ़ लीजिएगा इस क्लास को एक या दो बार देख लेंगे तो चीजें थोड़ा याद हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की बातचीत शेयर और लाइक